जी सर, आपकी ईमेल भी मुझे साइमा, क्या बंद हो गई थी? जी, मेरी साइड से थोड़ा सा अनसर्टन हो रहा है। इज इट पॉसिबल कि आप अपनी साइड से भी रिकॉर्डिंग कर लें? मैं वही कह रहा, मुझे मेरे परमिशन दे, मैंने 3 दफा जी बटन दबाया, वो कह रहा है कि परमिशन, ठीक आप मुझे परमिशन दे। अब जब दे देना, मुझे बताएं मैं किधर से करता हूँ ताकि उधर से बंद हो भी जाए ना। जी रजा साहब, मुझे आपकी फाइल मिल गई है, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। इसकी ऑप्शन है कहाँ पर जिसमें आप अलाउ करते हैं? रिकॉर्ड में ही होगा, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे एडमिन वाली साइट डिफरेंट होगी। जी, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस आ रही हैं, पॉज रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग। आप स्टॉप करें, नहीं स्टॉप ना करें, आप स्टॉप ना करें तो मैं देखूं। जूम की ऑप्शन में कहीं आपको मेरे सामने कहीं नहीं है, क्योंकि बीच में मुझे प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव टू परमिशन टू रिकॉर्ड, मैं जब दबाता हूं ना मुझे यही कही जा रहा है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रही है। सर मेरे पास अभी ना यहाँ ऊपर स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट हुआ था कि होस्ट कोई और है, आई नहीं, होस्ट थिंक। होस्ट में साइमा ही है, ठीक लेकिन है, वो मैं साइमा को ऑप्शन नजर नहीं आ रही कि वो तो कैसे मुझे अलाउ करे। वो क्योंकि अभी जब मैं साइमा डिस्कनेक्ट हुई थी तो उस वक्त शायद प्रॉम्प्ट हुआ था, माइट बी फर्दर उसके बाद क्या होगा ये। ठीक वो वो रिकॉर्डिंग बंद हुई थी, इसलिए मैं कह है, रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ ठीक है ताकि अगर बंद हो भी ना तो हमारे पास रहे। जी। अच्छा, मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है एडवांस्ड शेयरिंग ऑप्शंस में, वो कह रहा है हु कैन शेयर, ओनली होस्ट या ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स को अगर क्लिक करती हूँ जी तो कर करें दिया हु कैन स्टार्ट। रिकॉर्डिंग आप, नहीं 1 मिनट, मैंने ये इस पे आप, मैंने आप एक काम करें, आप टॉप पे आए और मीटिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें जिस पे रिकॉर्डिंग आ रहा है ना, उस पर एक ग्रीन सा बना हुआ बटन, ग्रीन यहाँ पे आइकॉन, अच्छा, ठीक है, मैं मीटिंग शेयर इंफॉर्मेशन, स्क्रीन करता, ठीक है। हाँ जी, ठीक है मैं शेयर ठीक है, मिल गया। इस पे जा, ठीक है, उस पे क्लिक करें और फिर सेटिंग के बटन पे दबाएं, ठीक, सेटिंग के बटन पे दबाएं जाके फिर वो आपको बताएगा। गई आप, हाँ जी, उसमें रिकॉर्डिंग पे जाएं और देखिए ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है आपके पास। रिकॉर्डिंग की ऑप्शन वो दे ही नहीं रहा है इसके अंदर तो। नहीं, ये आपने जब ग्रीन बटन पर क्लिक किया तो एक ऑप्शन आ रही है जिसमें सेटिंग्स खोल देता हाँ जी, है, उसके अंदर देखिए जर्नल, वीडियो, ऑडियो, शेयर स्क्रीन, बैकग्राउंड फिल्टर, रिकॉर्डिंग्स आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा उस पे एक ऑप्शन है चले अभी बिस्मिल्लाह पढ़े, देखी जाएगी। है। ठीक है आप होस्ट हैं तो पता नहीं क्यों इजाजत नहीं दे रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जी, अच्छा जी, कितने लोग मौजूद हैं, 10 है। मिस कौन कौन है? उमर एंड कंपनी मिसिंग हाँ, मैं वो कह रहा था मैं तरावी पढ़ के आऊंगा, लेकिन 9:30 तक तो तरावी हो जाती है, और को 3 लोग तो वो हो गए, और है, रजा साहब नहीं नजर आ रहे, राजा साहब है। अच्छा अनम नजर नहीं आ रही,
अनम कह रही थी अफतारी करके ना मेरे से पढ़ा नहीं जाता। और तहसीन तो आ चुकी है। जी चले हम शुरू करते हैं, 20 मिनट तो ऊपर, हम 10 मिनट तो ऊपर चलेंगे, हम जी जी स्टार्ट करते हैं। तो मैं सलाम अलैकुम एवरीवन, मैं दोबारा से जीरो से सलाम कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा वालेकुम सर। मैं उसकी ना आरिफ भी नहीं है, 1 मिनट, आरिफ भी नहीं आया। ठीक है बाकी जो आ जाते फिर हम जारी रखते। अच्छा आप लोगों को मैंने एक फाइल दी थी जिसपे कुछ लोगों ने काम किया है कुछ ने नहीं किया, तो मैं भी उसको आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा और फाइल खोलूंगा, तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो आप लोग प्लीज। क्या कह रहे हैं आप, ज्वाइन प्लीज आरिफ, जल्दी आओ। अच्छा जी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, और मैं आपसे फाइल के ऊपर डिस्कशन शुरू करता हूँ। वो दिन पूछ रहे हैं, उनको दिन बता दीजिए, स्लैक नहीं है। तो बस असल में आदत नहीं है ना, डेटा साइंस का यही तो सिखाना है कि थोड़ा सा ऊपर जाए तो उसमें लिंक है। मैं अब इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये जी मुझे आप लोग मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी जी आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा ये आप लोगों ने मुझे फाइल्स भेजी थी, मैं किसी भी फाइल को खोल लेता हूँ। उसमें ओरिजिनल फाइल ये थी जी हमारी ओरिजिनल फाइल, मैं इसकी कॉपी बना के अलग ले लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव डेस्कटॉप पे। जी कैन यू सी फाइल नाउ? यस सर। इसको भी मैं हाइड कर दूँ। अच्छा जी ये जी हमने मैंने आप लोगों से एक फाइल शेयर की थी जिसपे आप लोगों ने काम किया, तो मैं अब एक काम करने लगा हूँ। मैं एक गूगल शीट बनाने लगा हूँ फॉर ऑल यू पीपल। गूगल शीट बनाता हूँ स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी सर। यस सर। अच्छा जी अब हमने काम करना है जी, ये जो फाइल थी ना हमारी, हमने इसे सवाल पूछने, इस आप लोगों ने पिवट टेबल्स बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, वो है प्रैक्टिकल वर्किंग। मैं अब आपको आप लोगों को एक चीज, असल चीज सिखाना चाह रहा हूँ। हमने ये चीज सीखनी है कि ये डेटे में एक्चुअली क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉप पे जो होते हैं ना, ये जो 16 के 16 हेडर्स है ना, इसको हम हेड कहते हैं, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स प्राइस, क्रॉस प्राइस, इसको हम हेड कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। तो हमने इसे सवाल पूछने शुरू करने हैं। मैं अब इस शीट में लिखता जाऊंगा, मैं फिर आपसे शेयर कर दूंगा। पहला सवाल है जी, हाउ मैनी सेगमेंट्स आर देयर, हाउ मैनी सेगमेंट्स आर देयर। ठीक है जिला, अपना माइक ऑफ कर दे।
ये पहला सवाल है। आप इस सवाल का जवाब कैसे निकालना है मुझे आप सब जिसने प्रैक्टिस किया मुझे बताएं। ये शीट है तो मुझे सबसे पहले देखना है कि हमारे टोटल सेगमेंट कितने हैं पूरी शीट। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कितने आ रहे हैं जी? सर 5 है। ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हमारे 5 सेगमेंट। 5 सेगमेंट पहला। ठीक है जी ये हमारा पहला सवाल है इस डेटाबेस। दूसरा सवाल है जी हमारा कितने कंट्रीज है? 5 कंट्रीज हैं जी। How many COU and your countries are there? 5। ये भी आपने यहीं से देखा है जी 5। हमारी कितनी प्रोडक्ट्स हैं जी? 2, 4, 6। मैं इसको लिखता हूँ प्रोडक्ट्स कितनी प्रोडक्ट्स कितनी है? 6 प्रोडक्ट्स। 3 और 3 6 प्रोडक्ट्स। ये हम देख अच्छा डिस्काउंट बैंड कितने हैं जी हमारे? ये भी कितने हैं जी? 4। यूनिट सोल्ड हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। अच्छा जी आप यूनिट सोल्ड के हिसाब से मुझे एक क्वेश्चन बताएं। ये तो पहले 4 सवाल तो सौ के देना। यूनिट सोल्ड से मैं कैसे कैसे सवाल पूछ सकता हूँ मुझे कोई बताएगा? मैं लिखता हूँ कोई बता सकता है? हमने लिंक करने हैं, हमने क्या करना है? हम ऐसे कर सकते हैं कि हाउ मैनी सेगमेंट्स मतलब हर सेगमेंट में यूनिट्स कितने सोल्ड हुए, यूनिट सोल्ड इन ईच सेगमेंट। ये सवाल है जी? जी जी बिल्कुल है सर। इसी को कंट्री वाइज भी कर सकते हैं जी, करेंगे आप ये और इसको ईयर वाइज भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन अभी हम कर रहे हैं पहले 4 कॉलम्स। हम देखेंगे जी प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं और डिस्काउंट बैंड के हिसाब से कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अगला सवाल लिखने जा रहे हैं। ये तो टोटल हो गए ना, ये टोटल यूनिट सोल्ड हो गए। एक्चुअली टोटल यूनिट सोल्ड से हमें कोई चीज समझ आती है? मैं एग्जांपल लेता हूँ उसकी, प्रैक्टिकल मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये मुझे अपना ये वीडियो पैनल बंदे दिखा दिया कर यार फटाफट। मैं कह रहा था जो जिस पे थोड़ी सी नॉइस आ रही होती ना वो बेशक अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लिया था। अच्छा जी अब मैं ये जो मैंने पहला सवाल लिखी, ये जो सवाल लिखे है ना इन सवाल का जवाब मैं ढूंढने लगा। वो छोटी सी आप लोगों ने पिवट टेबल सबने लगाया था, इंसर्ट पिवट टेबल। सबसे पहले मैंने लिया जी सेगमेंट और मैंने सेगमेंट का काउंट लगाया। अभी नहीं मेरे पास सेगमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास कंट्री है जो हमने उस दिन बनाए थे, बल्कि मैं कंट्री यहाँ पे अगर ले लूँ 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रीज है। फिर हमने सवाल लिखा है जी प्रोडक्ट्स कितनी है, प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ। अच्छा अब सिंपल है, मुझे यहाँ पे दिखाना है जी हमारे सेगमेंट कितने हैं। तो 4 आ गए, उसमें कंट्रीज कितने हैं, उसमें प्रोडक्ट्स कितनी हैं, प्रोडक्ट भी मैंने डाल दी, डिस्काउंट बैंड भी डाल दी। अब आपके पास ये ना एक पिवट टेबल में ऑप्शन होती है, आप इस रिपोर्ट को इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये आप इसको फॉर्मेट में ले, या ये कंट्रोल हाइड हो गया ना, हाइट वीडियो पैनल, हाइट फ्लोटिंग कंट्रोल। ठीक है मैं जाऊंगा जी डिजाइन में, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट को मैं टेबुलर करूंगा, मैं इसमें से जाके सब टोटल्स खत्म करूंगा और मैं कहूंगा आइटम रिपीट कर दो। यहाँ पे जाके मैं एक और भी चीज करता हूँ,
बटन्स खत्म कर दो, बटन्स खत्म कर दे फ्री। ये देखिए जी आपका यही डाटा सेट था, मैंने इस डाटा सेट को एक रिपोर्ट की शक्ल देने की कोशिश की, नजर आ रही है जी? जी सर। ठीक है, आप इसमें मैं एक्चुअली इसको अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, रिपीट नो गुना, अब आप देखिए मैं बैंड अगर सिर्फ निकाल दूं, बैंड निकाल दूं, तो मेरे पास सेगमेंट वाइज देख रहे हैं जी, आप लोगों ने बहुत सारे ने पिवट टेबल बनाए हैं जिसमें से हमने सवाल पूछने हैं। हर बंदे ने ना सेल्स के ऊपर सारा मेहनत की हुई है, तो हमने मुख्तलिफ चीजें देखनी है। अब मैं सबसे पहले, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, हमारे किसी भी डेटा सेट में ना दो चीजें होती हैं, एक होती है जिनको हम कहते हैं डायमेंशंस, डायमेंशंस वो होती है जिनके ऊपर कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे इस टेबल के अंदर एक दो तीन चार, ये वो चीजें हैं जो ना जमा हो सकती है ना मल्टीप्लाई हो सकती है ना कुछ भी हो सकती है, तो आप इनको डायमेंशंस बोलेंगे। डायमेंशंस एक टेक्निकल टर्म है, आपको इसको पंजाबी में ये समझ लें, जिसके ऊपर आप कुछ जमा तफरीक नहीं कर सकते। मैट्रिस दूसरी चीज होती है, मैट्रिस जिसको मैट्रिक बोलते हैं, तो मैट्रिस वो होते हैं जिनके ऊपर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन से मतलब क्या है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन एग्रीगेशन अप्लाई की जा सकती है। तो यहां से ऑनवर्ड देखें, मैं अगर इसको कलर कर दूं, आप यहां से ये सारे आपके वो चीजें हैं, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ये आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सारे एग्रीगेशन है। अब आप लोगों ने सबने किया, अब हम पहले सेगमेंट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को हम सिर्फ एक सेगमेंट को लेते हैं और फिर उस पर चलने की कोशिश करते हैं, ये सेगमेंट हमें बताएगा क्या। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सॉरी मैंने आरएफ की वर्किंग खोली हुई है, मैंने चार्ट डिलीट, डेट और मंथ तो नहीं आएंगे, डेट और मंथ को भी हम एग्रीगेट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते। ठीक है जी, एक मिनट मुझे इसको करने दें। अच्छा जी, मैंने अभी एक खुद भी बनाया, नहीं आप वाले, मैं आप वाले थोड़ी देर के लिए ना हाइड कर रहा हूँ, ताकि फिर हम आपकी हर चीज को दोबारा से डिस्कस करें। ये एक डाटा सेट है जी जो आपने देखा, मैं पहले करूँगा जी, मुझे कंट्री दे दे, सिंपल सेगमेंट दे दे। अब इस सेगमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट सोल्ड, जो आप लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने बनाए थे, जो यूनिट सोल्ड है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यूज, रोज में आप हमेशा रोज और कॉलम्स में आपके जो मैंने आपको बताया ये वाली चीजें आएंगी, जिसमें आप इनके ऊपर आप कोई एग्रीगेशन नहीं अप्लाई कर सकते, वो रोज एंड कॉलम्स के अंदर आएंगी। वैल्यूज के अंदर सारी वो चीज आएगी जिसके ऊपर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते। अच्छा मैंने इसको डिलीट करना था, इस पर बनाता हूँ, मैंने ले लिया जी सिर्फ सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में मैं लेता हूँ यूनिट सोल्ड पे हम कुछ तजर्बे करते हैं, मैं लेता हूँ जी यूनिट सोल्ड। अब आप देखें जब मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाला है, तो इसने ऑटोमेटिकली ना इस पे एक अरिथमेटिक फंक्शन कैलकुलेशन अप्लाई कर दी है। वो क्यों अप्लाई की है, उसने देखा ये जो फील्ड है ये एक्चुअली नंबर फील्ड है, इसको मैं ऑटोमेटिकली आपको जमा करके जवाब दे देता हूँ, बाकी आप जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके आप जाके यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर ना, ये सारे मैथ्स के फंक्शंस हैं, आप सम बाय डिफॉल्ट को सम देता है, आप इसको काउंट करा लें,
आपको पता लग रहा है कि यूनिट सोल्ड जो है उसकी जो रोज आ रही है वो 100, 100 और 300 गवर्नमेंट में आ रही है, मिड मार्केट में आ रही है, इस पे आप और फंक्शंस भी हैं सारे आप ट्राई कर सकते हैं। ये हम आप बारी बारी सारे हम मुख्तलिफ सिचुएशन में देखते हैं अभी, तो अभी मैं आपके साथ वही सम वाले पे देखता हूँ, कुछ सम करा। अच्छा अब मैं कोई एक फाइल खोलता हूँ साथ में, हसन की फाइल खोल लेता हूँ, बहुत सारे प्रोवर्ट चार्ट्स लगे। अब आपने एक चीज नोट करनी है, ये देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट हसन ने बिल्कुल ठीक लगाया हुआ, यहाँ पे ठीक नहीं लगाया हुआ, तो आपने डेटे की प्रेजेंटेशन का ख्याल कैसे रखना शुरू करना है। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, आपको डेसिमल प्लेसेस में देता है। आपने जब भी नंबर्स दिखाने हैं ना अपने ऑफिस में, अपनी किसी वर्किंग में, तो एक इसका स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन वे है कि ए 100 सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर होने चाहिए। कॉमा सेपरेटर का क्या मतलब होता है, हर 3 डिजिट के बाद उसके अंदर कॉमा लगना चाहिए। और अगर आपके अगर देखें जी मैं कहूं कि मेरे 16,000 161,263.5 यूनिट सोल्ड हुए ना, तो नॉर्मली हमें इसको राउंड ऑफ करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, नंबर राउंडेड नजर आना सबसे जरूरी होता है। मैं इस पे जाऊं, अगर इसमें ये नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन बनी हुई है, मैं नंबर में जाके ना यहाँ पे ये 100 सेपरेटर यूज करूंगा और डेसिमल खत्म करूंगा, तो मेरे सामने ना ये कुछ शक्ल नजर आना शुरू हो रही। अब ये नंबर जो है ना हमेशा मिलियंस में नजर आएंगे। देखें ये अब ये रीडिंग आपको थोड़ी सी पहले से बेहतर हो गई है कि इतने यूनिट्स चैनल पार्टनर्स ने बेचे हैं। अब इसके बाद फौरन मेरा सवाल होगा, ये जो यूनिट्स हमने बेचे हैं इनको बेचने के बाद हमें एक्चुअली कितने पैसे हमें मिले हैं, मतलब आपने इतने यूनिट्स बेचे हैं लेकिन अभी यूनिट्स हमें टोटल यूनिट्स को मेन मैक्रो लेवल पे देखे तो मैं उस पर दूसरी चीज डालता हूँ, सेल प्राइस, ग्रॉस सेल्स यहाँ से देख लो, ये इस पे सेल्स हुई है जनाब। अगर सेल्स को आप देखेंगे, इधर मैं ऐड करके देखता हूँ, मुझे उमर ने कहा था ये गलत आ रही है, इतने यूनिट बिके हैं, सेल प्राइस उसकी ये थी, उसे सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स निकाले। मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रॉस सेल्स, अब मैं इसको भी इसको चेंज करता हूँ इस नंबर फॉर्मेट में जाके, इसको भी मैं कर देता हूँ। अब आप देखें जी कि हमने इतने यूनिट्स बेचे हैं और उसके अगेंस्ट हमें इतने डॉलर्स उसकी आए हैं, या इसमें हम जो भी अपनी करेंसी में रुपीस कह दें, तो इतने यूनिट की हमारी सेल्स हुई है। लेकिन अब इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, उसने 3 डाली हुई है, गॉड डाली, यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने बनाई हुई है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बना, मुझे बताएं जी। मैंने चैनल पार्टनर जो है उसमें मैंने ये निकालना है कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, रिवर्स इंजीनियर करना है, तो बता सकता क्या फार्मूला लगाऊं कि मुझे पता लग जाए एक यूनिट की सेल्स इतनी इतने की, मतलब एक चीज 100 रुपए में बिकी या 500 रुपए में बिकी है, तो मुझे यहाँ पे फार्मूला लगवा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आ गया हूँ जी। वालेकुम सलाम, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे कोई ये फार्मूला बता सकता है कि मैंने एक यूनिट की सेल प्राइस निकाल ली, ये हमने यूनिट्स बेचे हैं, ग्रॉस सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स, चलो ठीक हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब एक यूनिट की प्राइस कितनी निकली है जी, 12 12
मैं इस पे भी ये लगाता हूँ, इस पे भी लगाता हूँ, इस पे भी लगाता हूँ, इस पे भी लगाता हूँ, ये एवरेज प्राइसिंग हो जाएगी सर ये तो। मैं यही देख रहा हूँ, यानी एवरेज क्यों हो जाएगी? नहीं, इसमें हर सेगमेंट के अंदर मुख्तलिफ प्राइस। मैं अभी अभी सिर्फ मैक्रो लेवल पे एवरेज प्राइस देखना चाह रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। मैं अभी ये देखना चाह, यही तो है, उस पे तो आप लोगों ने कर लिया ना, मेन तो आपने कर लिया। मैं यहाँ पे यही देखना चाह रहा हूँ कि अगर चैनल पार्टनर इतने यूनिट बेचता है और इतनी सेल्स होती है, तो उसको एवरेज फी यूनिट क्या पड़ रही है जी? सेल यूनिट, एक यूनिट की प्राइस क्या पड़ रही है? 12 रुपए। मतलब वो 12 रुपए में वो बेच रहा, दूसरा वो 125 में बेच रहा है, तीसरा 119 में बेच रहा है। मैं इसके ना ये खत्म कर रहा हूँ, 120 में कर रहा है, ये 15 रुपए में कर रहा है, ये 300 रुपए में पड़ रहा है। ये एक मेजर लेवल पे उसको पता लग गया है कि जो चैनल पार्टनर है इस सेगमेंट में, उसको एवरेज सेल प्राइस क्या है जी? हेलो, 12 होगी सर। जी जी सर, 12 है एवरेज सेल प्राइस। अब मेरा इसी डाटा से एक सवाल है कि मेरे पास ये 5 चैनल्स हैं, अब मुझे 5ों चैनल की एवरेज सेल प्राइस अपने पास मुझे चाहिए, तो मुझे एक एवरेज पता लग जाए कि मैं कोई भी चीज बनाता हूँ ना, तो मुझे सारी प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल प्राइस क्या बनती है। तो हम अगर हम इसको एवरेज करें, तो ये कह रहा जी 114 = एवरेज 114। ये जो 114 मैंने बनाया है ना, ये मैंने इसलिए बनाया है कि अगर मैंने यहाँ पे एक और चैनल ऐड करना हो, तो मुझे यहाँ से एक मैक्रो लेवल पे डेटे की बेस पे पता लग गया कि मैं एवरेज 114 रुपए सेल प्राइस रखूँगा, तो मैं एग्जिस्टिंग अपनी सारे चैनल्स के साथ नया चैनल ऐड कर लूँगा, तो मैं अपनी हर चीज़ को मैच कर सकता हूँ। ये है टॉप लेयर की प्राइसिंग। आपने हमेशा कंपनीज में प्राइसिंग सुनी होगी, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, फर्ज करें कि आपने एग्जांपल मोटरसाइकिल की ले लूँ या कपड़े की ले लूँ या किसी चीज़ की ले लूँ, आपने कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है ना, आपने अपने अपनी कंपनियों में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी टर्म यूज होती है जिसको प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं। उसमें प्राइस फाइनल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने वो प्राइस रखनी कैसे कि ये सूट 1200 में बेचे या 2600 रुपए में बेचे या 3500 रुपए में बेचे या मोटरसाइकिल है हम कितने में बेचे, आप अपना वो बंद कर लो तहसील माइक। तो अब ये जो चीज आई है ना, ये चीज निकालनी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नजर आ रहा है जी? जी जी आ रहा है सर नजर। ये आपको समझ आनी चाहिए। समझ नहीं आई कि क्या है 114, इसका समझ नहीं आ रहा सर। मैं बताता हूँ, आपने एक चीज बेची इस चैनल के थ्रू, आपने फर्ज करें ये इस चैनल के थ्रू आपने लड़कियों वाले स्टाइल में जाता हूँ, आपने 161,264 सूट बेचे, ठीक है जी? जी सर, ठीक है। वो जो सूट बेचे उनको बेचने पे आपको इतने पैसे मिले, ठीक है सर? इससे पता चला कि आपने एक सूट कितने में बेचा? 12 रुपए में। फिर आपने एक नया महंगा सूट लॉन्च किया, आपने उसके इतने यूनिट बेचे, तो उससे इससे इतने पैसे मिले। वो सूट आपने कितने में बेचा? 125 में। और एक और आपने बेचा कितने में? 300 में। ठीक है, अब आप एक बहुत बड़ी कंपनी बन गए हैं। अब आपने एक नया सूट लॉन्च करना, ठीक है जी? ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि एवरेज आपका जो टोटल प्रोडक्ट है
वो किस बजट के किस प्राइस के अंदर होना चाहिए। तो आपने अपने डेटे को जितने भी सूट्स हैं उनको जब एवरेज आउट किया तो आपको आइडिया हुआ, कुछ आइडिया हुआ कि 114 के करीब करीब हमारी ना एवरेज हमें सेल प्राइस पड़ती है। इसका पूरा फाइनेंशियल हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर, ओके ठीक है। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, अब इसी को मैं खत्म कर रहा हूँ। इसके अंदर यूनिट सोल्ड के अंदर मैं डालता हूँ कंट्री। यही चीज जो हमने पहले की है ना, अब आप देखेंगे, अब आपको मेरी बात और थोड़ी सी लॉजिकल समझ आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी के 14 इतने यूनिट बिके हैं। अब आप देखें यूनिट सोल्ड क्रॉस प्राइस डिवाइड बाय दिस 12 रुपए आ गई जी इसकी, ये सब की 12 आ गई। नजर आ रही है जी? जी इसी तरह मैं नीचे आता हूँ। यार ये मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ, इधर आ जाते भाई साहब। चलो ये वो आपने ऊपर निकाली थी, समझ आ रही है जी? सर आ रही है समझ। जी जी उमेर, आपने कहा था कि ये तो एवरेज हो जाएगी, या अभी आपने कहा था? जी एवरेज चेंज हो रही है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब आप देखें, अब आप देखें कि एक चीज क्लियर होना, हमें एक चीज समझ आई कि जो चैनल पार्टनर्स है ना उसकी हर मुल्क में सेल प्राइस क्या है, एवरेज 12 रुपए पे निकली है। और अगर हम एंटरप्राइज सेगमेंट में जाते हैं तो उसकी हर कंट्री में सेम आ रही जी, ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही हम गवर्नमेंट सेगमेंट में गए हैं और उसके कंट्रीज देखे हैं तो हमें पता चला एवरेज सेल प्राइस हर कंट्री में फर्क है। तो ये डिस्काउंट बैंड की वजह से भी हो सकता है कि अगर इसके अंदर डिस्काउंट, अभी अभी हम सवाल पूछ रहे हैं, अभी आपने फ्लो जेन में रखना है, आपने फ्लो जेन में रखना है कि हम सही शुरू कहाँ से हुए हैं और हमने एंड तक इस डाटे को समझना कैसे, इसमें से हमने एक समरी बनानी कैसे है, हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बिजनेस कैसे सही चलेगा। ठीक है सही सही सर, बिल्कुल सही। मैं इस पे आ गया, ये देखें इसमें फिर अगेन वही है, इसमें अगेन वही है। हमारी पहली फाइंडिंग ये हुई है कि जो हमने एवरेज प्राइसिंग निकाली है ना, एक चीज आप नोट करें, पहली फाइंडिंग हमारी जो निकली है इस समरी से वो ये है जनाब कि हमारे इस सेगमेंट में सेल प्राइस सेम नहीं हो सकती। ठीक ठीक हो गया। जब भी आपने अब इस सेगमेंट की प्राइसिंग करनी है ना, आपको पता लग गया है, बाकी आपने आंखें बंद करके प्राइसेस जो है ना जिसके ऊपर आपकी सेल चली है यूनिट प्राइस ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, ऐसे ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये फॉर्मूला को जब ड्रैग डाउन करता हूँ तो वो ड्रैग डाउन हो नहीं रहा। फॉर इंस्टेंस अगर हम जिस तरह ये सेल प्राइस निकाल रहे हैं तो ड्रैग डाउन होके कांस्टेंट एक जैसी आ रही है, वो ये क्या रीजन हो सकता है? आपने फ्रीज, आपके वो फार्मूला मैनुअल तो नहीं हुआ? यहाँ पे फार्मूला में जाए, इसमें एक ऑप्शन होती है कैलकुलेशन ऑप्शन, या मैनुअल होगी होगी आप, ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए। फॉर्मूला में जाएं, कैलकुलेशन ऑप्शंस में जाएं, देखें ये ऑटोमेटिक है। मैं आपको दोबारा प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ बाद, ठीक है जी? जी अच्छा, अब ये ना आप हमारी ये पहली फाइंडिंग है, ज़हन में रखें हमने एवरेज सेल प्राइस निकाली है। तो इस मुझे आप सारे बंदे कितने बंदे हैं मुझे पार्टिसिपेंट्स देखने के लिए, फिर ऑन करना पड़ेगा। सर ये मुझे ये कैसे एवरेज निकाली है हमने, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? हाँ मैं करता हूँ। 13 पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम।
मुझे 13 पार्टिसिपेंट्स में मुझे जितने जितने लोगों ने काम किया था, मुझे कोई बंदा बता सकता है कि ये जो फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ ये वाला, आपने डेटा सेट बनाते हुए आइडेंटिफाई किया था? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, मुझे बारी बारी, मुझे बारी बारी में साहिबा आपने नहीं किया, आरिफ आपने, आरिफ आर यू देयर? जी सर मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही, मैं कह रहा हूँ आपने ये फैक्टर आइडेंटिफाई किया था? नहीं सर, ये फैक्टर नहीं आइडेंटिफाई किया। ठीक हो गया। हसन आपने? नहीं सर, मैंने नहीं किया था ये। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्मान आपने? उस्मान आप हैं? जी 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 सर, मेरा थोड़ा सा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं मैंने अच्छा, भी नहीं किया सर, ये नई चीज है। ठीक है। रजा साहब आपने भी फाइल बनाई, आपने भी इस फैक्टर तक पहुंचे थे? नहीं सर। ठीक है। बाकी जिन्होंने फाइल बनाई है मेरे ज़ेन, आयशा तारिक थी वो, पता नहीं सर। नहीं हाँ, जो नहीं किया था ना? नहीं सर। तो डेटा साइंस में आपकी वैल्यू तब बनती है जब आपने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने जो बाकी नहीं कर पाते, समझ आई? अब ये पहला सवाल हमने, पहली एक चीज निकाली है। अब मैं, अभी मुझे नहीं पता कि ये एवरेज प्राइस क्यों फर्क है, एवरेज सेल प्राइस क्यों फर्क है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक एक स्टेप और करने लगा, मैं इसको खत्म करता हूँ। अब मैं इसमें डालता हूँ जी प्रोडक्ट। आपको थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए अगर मैं डिजाइन रिपेट का आउटलाइन फॉर्म, अब थोड़ा क्लियर नजर पता लग रहा है कौन सा कंट्री करना है इसका, अगर ये भी बदल दूं ताकि आप लोग को देखने में, अब टोटल नजर आ रहा है लेदर लेदर? जी सर। जी सर आ रहा है सर। अगर ये थोड़ा सा और ब्लर, मतलब टोटल्स नजर आ जाए आपको, नंबर्स, ये नंबर्स विजिबल है, ये टोटल नजर आ रहे? यस सर। जी सर आ रहे नजर। सर आप बोल्ड कर दें। हाँ बोल्ड कर दें, विजिबल है सर। आप ठीक है? यस सर, अब A1 है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम गए थे एवरेज प्राइस, अब हमने प्रोडक्ट भी डाल दिए। अब मैं एक और वही स्टेप रिपीट करने लगा हूँ, सेम वाला। यहाँ पे ये देखे यूनिट सोल्ड ही आ रहे ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी ये प्राइस और यूनिट सोल्ड। अब देखते हैं हमारी स्टोरी कहाँ तक जाती है। किसी को याद है जी कहाँ पे हमारी प्राइस फर्क आई थी, अभी हमने बनाई थी? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में सर। गवर्नमेंट में जी। गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में मैं जाता हूँ जी, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट सर ये 12 कैसे आया? 12 सिंपल, मैंने सिंपल किया। ये देखे मैंने जो सेल हुई है ना उसको यूनिट पे, मतलब आपने, आप मुझे बताएं अगर आपने 1000 रुपए की 100 चीजें बेची हैं तो एक चीज की कीमत कैसे निकालें? या उल्टा कर लेते, जो चीजें जो कीमत मेरे पास आई है उसको जितने पीसीज बेचे उस पे डिवाइड कर दूंगा। मैंने एग्जैक्टली यही किया, ये हमने इतने की बेची है और इतने बेची है, मैंने इसको इस पे डिवाइड किया तो वो 12 आ गए। इधर ही डिवाइड किया इसी जहां पे 12 लिखा हुआ है। हाँ जी, ये देखें मैंने ये किया कि इसको इस पे तकसीम करो। ये आपने किया 06 और 06? नहीं, ये E6 है, मैंने किया है सिंपल फार्मूला लगाया, दोबारा लगा देता हूं। ये देखें मैंने ये सिंपल एक एक्सेल में फार्मूला लगाया है, ये देखें इज इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करके मैंने डिवाइड का साइन डाला है और मैंने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर दिया है। मैंने कहा है उस वैल्यू को उस फाइल से डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नीचे सारे कॉपी पेस्ट कर दिए। ओके ओके सर। अब हम देखते हैं जी हमारा गवर्नमेंट सर, डिवाइड करने का ये फॉर्मूला है इस पे जो आपने अभी बताया है? हाँ जी, ये हमने, अगर आप एग्जांपल ले लें कि आपने, अगर फजीला बताएं कि अगर आपने एक सूट, तो 1000 रुपए का सूट है, आपने 10 सूट बेचे हैं तो कितने पैसे आपके पास आएंगे?
10,000 ठीक है। अब 10,000 सूट ये तो होगा सीधा सीधा तरीका। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने 20 सूट बेचे हैं, ठीक है जी, मैं इधर लिख के बताता हूँ। आपने 20 सूट बेचे हैं और आपके पास 20,000 रुपए आए। अब मुझे बताएं मैं एक सूट की कीमत कैसे निकालूंगा। फजीला आप बताएं। 1,000 नहीं, कैसे फार्मूला बताएं क्या करूं। फार्मूला ये होगा इज इक्वल टू 20,000 रुपए मेरे पास आए हैं, पहली प्रोडक्ट में चेकिंग के साथ डिवाइड का साइन डालेंगे, डिवाइड साइन लेके तो 1,000 रुपए का सूट बेचा, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल मैथ्स का फार्मूला है, ठीक है। अब हम आगे हैं जी, ये गवर्नमेंट सर ऊपर तो 12 आ गए, नीचे ये 125 और ये कैसे आ गए हैं। वो इसलिए आ गए कि अब देखें हमने ये पहले सेगमेंट डाला, फिर कंट्री डाली, फिर प्रोडक्ट डाली। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 12 ये जो कनाडा है, कनाडा के अंदर ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं वो सारी की सारी 12 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। इस अम्ब्रेला को समझ लें कि ये हमारा फ्रूट है, रमजान के हिसाब से लगा लें। ये हमारा ये तरबूज है, ये हमारा खरबूजा है, ये केला है, ये अमरूद है, ये अंगूर है, ये चीकू है। तो हमने निकाला कि हम हर फ्रूट 12 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। सर जो आपने यानी कि कनाडा में अप्लाई किया फार्मूला वो नीचे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया सब पे। हाँ जी, उसका तरीका मैंने दोबारा करता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लगाया और इस पे ये नीचे पे डॉट बना हुआ है छोटा सा, नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, वो नीचे जहां तक भी डाटा है वहां तक खुद ही पेस्ट हो गया। वो सब ये होता है सब की प्राइस निकाल खुद ही कैलकुलेट करके लिखता जाएगा कि यस, उसने सारी खुद ही कैलकुलेट कर दी। अगर आप यानी ऐसे बार बार हमें नई फार्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है आप इसको कॉपी करें, यहाँ से नीचे तक आ जाए जहाँ तक आपका डेटा है, यहाँ तक आके आप यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करें और पेस्ट कर, फिर भी वही काम हुआ है जो मैंने पहले किया, ठीक है। ठीक है सर। तो आप स्मार्ट वे क्या है कि फार्मूला लगाया और उसको यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, वो खुद ही मुझे हर चीज पे अप्लाई हो गया। अब मैं अगली चीज पे जा रहा हूँ, असल जो हम सवाल पूछ रहे थे। गवर्नमेंट में हम आए थे जी, गवर्नमेंट में। अब एक और चीज आप आइडेंटिफाई कीजिएगा जना, अब आपको और चीज समझ आएगी। अब आप देखें जी कि गवर्नमेंट में एवरेज सेल प्राइस फर्क क्यों थी। ये जो टेक्निकल थोड़े से लोग हैं मैं उनसे रिपीट करूंगा। अब आप देखें आपको क्या पता चलेगा एवरेज प्राइस क्यों फर्क आई है। ये मैं इसको पहले तो यहां से यहां तक लेके ना, यहां तक भी ये आ रहा है, यहां तक इसको मैं सीधा सीधा नंबर्स ले आता हूं ताकि आप नंबर आ जाए। अब आप देखें जी कि ये जो एक चीज आपने नोटिस करनी मैं आपको बताने लगा, गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा जूम आउट करके। मुझे बताएं जी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमरीला कितने में बिक रही है जी। 12 रुपए में। प्रोडक्ट का नाम याद रहेगा क्या लिखा हुआ है, अमरीला। यही प्रोडक्ट कनाडा में कितने की बिक रही है। 125। यही चीज अब आप नीचे आ जाए, यही चीज कनाडा में कितने में बिक रही है। 207। फ्रांस में कितने में बिक रही है। 153 की। 183 ठीक है। और जर्मनी में कितने की। मेक्सिको में कितने की बिक रही है जी। 104। अब यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो एक दफा दोबारा से बेच रहा है और उसपे प्राइस 120।
आप मुझे बताएं, अब मेरे आप लोगों से सवाल है जिसके लिए मैंने इतनी तकरीर की है, अब आप लोगों ने बताना है। मुझे बताएं एक प्रोडक्ट हर, अब एक चीज नोट कीजिएगा, मैं एक यहां से करता हूं। इधर लगा दो, मुझे बताएं चैनल पार्टनर एंटरप्राइज गवर्नमेंट हर जगह पे सेम है, ये इस सेगमेंट में ये प्राइस क्यों फर्क हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? अब मुझे आपसे, आपने इस डेटे से सवाल पूछना है, हर जगह प्राइस सेम है, ये इस एरिया में क्यों फर्क है गवर्नमेंट वाले एरिया इस चैनल? कोई बंदा सोच सकता है, सवाल पूछ सकता है अपने आप से? करेंसी टू करेंसी वेरी कर सकता है इस केस में, एक ऑप्शन है। और डिस्काउंट ऑफर किया होगा, और रेट किस तरह? बोलो सर, पिट्टी मेरे साथ बैठी हुई है, वो जरा हिचकिचा रही है, जरा एहसन का और फरहान को जरा छेड़े ना साथ में बैठे में, हम सुन रहे हैं बड़ी तवज्जो। मैं असल में देखे, मैंने आप लोगों को बताया था, आप सब लोगों ने पिवट टेबल लगा के मुझे भेजे थे, जितने लोगों ने बना के भेजे थे, ये वाले एंगल्स किसी ने देखे थे? मुझे सवाल ये है। नहीं सर, ये वाला एंगल नहीं देखा ना। नहीं तो सर बिल्कुल, बारी बारी बताया करें, मुझे सुनना होता है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपने ये एंगल नहीं देखा था, ये आपके लिए नया है। नहीं देखा सर, ये नया है। नहीं देखा रजा साहब आपने किया था इसको ऐसे देखा था? नहीं सर बिल्कुल नहीं निकाली थी मैंने। हसन आपने? नहीं इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डेटा साइंस है ना, ये टूल्स का नाम नहीं। आप एक्सेल यूज कर लें, गूगल शीट यूज कर लें, आप कुछ भी यूज कर लें, डेटा साइंस ये है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है चीजें जिसमें आप मैनेजमेंट को एडवाइस दे सके कि सर आप यहाँ पे ये चीज को ऐसे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट ना करें, जिसकी बेस पे बिजनेस की ग्रोथ होनी है। तो डेटा साइंस इज एक्चुअली सपोर्ट टू स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट कि आपका बिजनेस इस वक्त, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक बिजनेस को कंसल्टेंसी दी, और ये मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने 2.5 साल उसको कंसल्टेंसी दी। जब मैंने कंसल्टेंसी दी तो वो 50 मिलियन की, उमेर आपको बता रहा हूँ, आपका अपना भी बिजनेस है। जी मैं सुन रहा हूँ सर। एक मैंने कंसल्टेंसी दी, वो जो हर साल की एवरेज सेल कर रहा था ना बंदा, उसका सेल्स रेवेन्यू था 55 मिलियन। जी मैंने उसको ऐसे एनालिटिक्स बना के दिए कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही। अब माशाल्लाह 2.5 साल मैंने कंसल्टेंसी दी, मैं उसको एक स्टेबल पूरा सब कुछ बना के दे के मैं बाहर आ गया। इस वक्त वो एवरेज सेल्स पता कितनी कर रहा सालाना? जी सर 500 मिलियन। माशाल्लाह। रीजन क्या थी कि उसको पता ही नहीं लगता था कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट अच्छा मार्जिन देती है, कौन सी कम मार्जिन देती है, कौन सी प्रोडक्ट मुझे बेचनी चाहिए, कौन से कस्टमर मुझे फारक कर देने चाहिए, कौन से कस्टमर मेरा टाइम ज्यादा ले लेते हैं और मुझे प्रॉफिट कम देते हैं, ये एनालिटिक्स उसको पता ही नहीं लगते थे। वो क्या करता था, सिंपल सेल, जिस तरह आप लोगों ने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव डन, उन्होंने सेल्स बनाई है, प्रॉफिट बनाया है और मेन चीजें बनाई है जो हमें पता है, ऐसी है ना जो आप लोगों ने पिवट टेबल लगाए हैं। जी सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आपने पहला फैक्टर आइडेंटिफाई किया जो हर बंदा कर लेता, तो अब आप लोगों ने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है कि डेटे को देख के आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह मेरे एक बॉस है, वो ग्रोसर ऐप में कैटेगरी हेड है, आप देखें वो डेटे को देख के बताते हैं, सिर्फ डेटे को देख के बताते हैं कि ग्रोसर ऐप में आजकल इस फ्रूट की डिमांड ज्यादा है। इस एक छोटे से सवाल का जवाब कैसे निकलता है कि इस फ्रूट के वेंडर्स बढ़ाने पड़ेंगे। वेंडर्स बनाने पड़ेगा मतलब ये है कि हमें उसकी कॉस्टिंग भी करनी पड़ेगी,
कि हम वो फ्रूट किस प्राइस में खरीदेंगे और वो किस में बेचेंगे। फिर उसमें बहुत सारी आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं कि अगर हमने ज्यादा खरीद लिया और कम बिका तो फिर क्या होगा, अगर हमने कम खरीदा और ज्यादा डिमांड आ गई फिर क्या होगा, अगर हमने महंगा खरीद लिया तो सस्ता हो गया फिर क्या होगा, अगर हमने सस्ता खरीद लिया तो महंगा होगा तो फिर क्या होगा। सवाल समझ आ रहे जी? जी सर। आप लोग किसी भी डाटे को जब इस एंगल से देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ आना शुरू होगी कि आपने उसमें से एनोमलीज जिसको हम कहते हैं या सोचना कैसे है कि हम करें क्या। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देने लगा हूं। यहां पे देखते हैं 207 रुपए की वो अमरीला बेच रहे हैं जी कनाडा में, फ्रांस में 153 में। हम एक ले सकते हैं कनाडा में। मैं इस डेटे में आता हूं, मैं फिल्टर लगाता हूं जनाब इधर से गवर्नमेंट का, कनाडा का और अमरीला का। अमरीला आप इसमें देखिए, उसने कोई डिस्काउंट भी इतने नहीं दिए हो, ये जरूर खोलना होता है आपने भैया। अच्छा मैं स्केप का बटन दबाता हूँ। आप इसमें चेक करें जरा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उसको कितनी पड़ रही है? 260 फिक्स। 260 रुपए सर। ठीक है, यहाँ पे वो हर चीज में कहता है जब मुझे मैन्युफैक्चरिंग 260 में पड़ती है। अब सेल प्राइस चेक करें जरा, एक जगह 350 में बेच रहा है, एक जगह 350 में, एक जगह 7 रुपए में बेच रहा है। क्या बात है, क्या बात है। एक जगह 20 रुपए में बेच रहा है। मुझे एक्चुअली ये 7 रुपए और 20 रुपए एरर लगे थे, मैंने इसलिए प्राइस चेंज की थी, क्योंकि वो प्रॉफिट भी और वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल वैल्यू जो बना रहा है उस हिसाब से डिफर कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही थी, मैं यही तो आइडेंटिफाई करना चाह रहा था ना। देखो okay. आपको डेटे में आप यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं एरर नजर आया जी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सैंपल डेटा इसलिए बनाया गया था कि मुझे बताएं कि आप एक प्रोडक्ट 350 रुपए में बेच रहे हैं तो कहीं पे वो इस प्राइस में बिक सकती है? नहीं बिक सकती सर, क्योंकि नहीं बिक सकती, पॉसिबल नहीं है। तो अब इस पे एग्जांपल लेने लगा हूं, आप है इस वक्त कंट्री हेड है किसी कंपनी के, आपके पास एक डेटा सेट आ गया है, वो डेटा सेट बता रहा है कि कनाडा में मीडियम डिस्काउंट के साथ इतने यूनिट 7 रुपए में बिके हैं। आपने बिजनेस में जो फ्रॉड हो रहा है आइडेंटिफाई कर लिया जी? लेकिन कॉस्ट ऑफ सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स चले आप इसको एज्यूम इसी तरह लेके चलते हैं, ठीक है? मेरे समझ आ रही है जी, ठीक है कि कहीं ना कहीं पे सिस्टम में एरर आ गया। आपने पहले सबसे एरर आइडेंटिफाई करना कि इसकी सेल प्राइस ठीक करे। अब सेल प्राइस ठीक कैसे हो सकती है, एग्जांपल ले लेते हैं, उसने कितने यूनिट बेचे हैं जी? 1135 ऐसे ही है जी। हेलो जी 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 सर, सुन रहे हैं जी सर? जी सर 1135 ठीक है जी, और ये उसने सेल्स की है 7945 ऐसे ही है। मैं क्या करता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस करूं तो क्या नाम है आपका, उमेर जी सर? सेल प्राइस 7 रुपए निकल आई जी सर। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी आवाज ब्रेक होगी, दोबारा बताएं। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं शो, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, हमें हो रही है। आई थिंक उनके नेट का इशू है। हाँ उनके नेट का इशू, आपके नेट का थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं, जिसको कोई इशू आएगा ना तो हम रिकॉर्डिंग इसी के कर रहे हैं। सर आपको समझ आई ये? सर एक बात है, ये जो आपने फिल्टर लगाए हैं गवर्नमेंट की और ये निकाला, ये कैसे लगे हैं? ये आप मेरा ख्याल आपने एक्सेल यूज नहीं की, तो मैं आपको लहदा से ना एक्सेल की बेसिक्स के आपको एक वीडियो भेजूंगा, आपने पहले जुनेद को देखनी है, ठीक है? चलें ठीक है सर, ठीक है।
उससे ये होगा कि आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आएंगी, छोटी छोटी चीजें समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। अब उमेर ये सेल प्राइस तो ठीक निकली, आप देखो हमने निकाली है जी सर, बात कर रहे थे, देखो हमने निकाली ना, आपके सामने निकाली है ये एरर आइडेंटिफाई हुआ, उसने रेवेन्यू में नहीं इकट्ठा किया है, इसका मतलब है उसने 350 की बजाय 70 में बेच दिए। अच्छा जी, लेकिन उसमें फर्क क्या हुआ, हालांकि डिस्काउंट दिया उसने 556 रुपए उसने डिस्काउंट दिया है जी, और उसने सेल्स में से वो निकाल दिया है जी, उसको इतना खर्चा पड़ गया है और उसको प्रॉफिट 1700। अब अंदाजा लगाओ, मैं यहाँ पे कुछ अगर आप इजाजत दें। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा यहाँ पे मेरे लिए कंफ्यूजन बनी थी कि जिस तरह ये सेल 7 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी अगर आप इसी तरह एक बनाएं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ठीक है ये प्राइस 5 बता रहा है। हाँ, इस वजह से मैंने ये प्राइसिंग चेंज की थी क्योंकि इसके मुताबिक ये आइटम जो है कॉस्ट ऑफ गुड के हिसाब से ये इसकी जो कॉस्ट प्राइस बनती है वो बनती है 5 रुपए, ये इसीलिए आपको जो प्रॉफिट की जो वैल्यू नजर आ रही है वो पॉजिटिव नजर आ रही है, अदरवाइज लॉस होना चाहिए था। नहीं, अब इससे एक सवाल क्रिएट हो गया ना, असल चीज तो है वो हम सवाल ढूंढ रहे थे। जी जी, एक मिनट, किसी का मैसेज आया तो नहीं है, अगर नहीं आ रहा नहीं दिख रहा हूं। अब आप देखो इससे एक और चीज जहां पे मैं लेके आना चाह रहा था, ये पेंसिल लागे किसी ने, ये साहब पेंसिल आपसे लगती मेरा घर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, चले लग गई, अब मुझे नहीं पता ये कैसे मिटेगी, इसमें रिमोट होता है, ये आपके हैंड से शायद मिटे, ये मेरा ख्याल फजीला है, आपका नेट बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा अब मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे, अब सवाल उठता है जो हम एक्चुअली यहां तक पहुंचे हैं, सवाल ये है कि यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काम क्यों है। जी सर, समझ आई? जी सर, क्या प्रॉफिट फिर भी आ रहा है कि 5 रुपए उसकी कॉस्ट लग रही है जी, सेल वो 7 रुपए में कर रहा है। जी सर, अब एक सवाल बहुत शदीद किस्म का सवाल आ गया है कि उसको कनाडा में ये अमरीला बेचते हुए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है जून में, जी जी नहीं है ना, यस सर, जून में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी कम क्यों पड़ी, सवाल है ना। प्राइस सर, प्राइस फैक्टर है ना, प्राइस गलत है, मेरी समझ के मुताबिक प्राइसिंग गलत है जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम अभी वहां पे पहुंच गए ना, हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहां से नहीं आ रहे, यहां से तुम्हें पता लग गया था फौरन ही जी, लेकिन यहां से हम देख रहे हैं, अगर इसको फर्ज कर लेते हैं ये बिल्कुल ठीक है उसकी सेल प्राइस, ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर उस जगह पे टैक्सीज ना लगे हो, उसने कोई पुराने यूनिट ही चला लिए हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, उसका खर्चा है नहीं, ठीक, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक और स्टेप आगे जाना होता है इस डेटा से। अब आप अगर आपको कहेंगे तो आप क्या करेंगे, कनाडा में जून के महीने में जाके आप ये जो जून के महीने में सेल हुई है ना, इस सेल की आप आइटम वाइज फर्दर डिटेल्स ढूंढेंगे और उस डिटेल से पता चलेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना वो कम क्यों है, फिर उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि एक्चुअली आप कहाँ पहुंचे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं बाकी लोग, अब ये जितनी चीज हमने बनाई थी
ये चीज से आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ समझ आ रही है? किसी को आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं उसे समझ नहीं आ रही है। आवाज ठीक है। अब मैं सर इसी चीज को सारी को खत्म करके ना आप लोगों को इसी को टेबल को ग्राफिकल व्यू में देखते हैं, जिस तरह सब ने पिवट चार्ट लगाए, मैं पिवट चार्ट लगाने लगा। अच्छा यार, अब मैं लेता हूं जी सेगमेंट कंट्री प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड। अब मैं इसको थोड़ा सा एक एक स्टेप नीचे करता हूं। अब आप लोगों ने देखा है जी, जिसने पिवट टेबल अप्लाई किया था ना, अब उसका ग्राफिकल व्यू देखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी ग्रिड लाइंस खत्म कर देता हूं, फिर डेटा लेबल्स डाल देता हूं। सर ये जो मेरे जो आपके ग्राफ के नीचे ये प्लस और माइनस का निशान आ रहा है ना, मेरा जब मैं ये ग्राफ लगाती हूँ तब नहीं आता ये। मैं बताता हूँ ये कैसे आएगा। ओके ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ। किसी और के साथ भी ये इशू आया था? मेरे साथ भी आया था। अरे इशू तो नहीं आया था, लेकिन ये क्वेश्चन देन में आया था कि इस प्लस और माइनस का यूज क्यों होता है और इसका क्या मतलब है। हाँ ठीक है, मैं खोल लेता हूँ आरएफ की वर्किंग, खोल लेता हूँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने हाइड की थी इसमें, पिवट चार्ट देख लेते हैं आपका। ये आपके आ रहा है, ये लगाया हुआ आपने आरएफ? जी जी सर, मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन था, मैंने कहा आपसे ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको बंद करता हूं, मैं अब लगाता हूं। पिवट चार्ट ना, इसको हम कहते हैं ड्रिल डाउन। आप किसी डेटे को किसी भी लेवल तक देखना चाहते हैं ना, तो एक्सेल में सिंपल एक ऑप्शन उन्होंने दी हुई है जिसमें वो आप उसको ड्रिल डाउन की ऑप्शन देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने वही चीजें जो उधर डाली थी मैं दोबारा डाल। कुछ ऑडियंस बिल्कुल डेड साइनस में है, मुझे उस पर टेंशन हो रही है। बाकी लोगों को कुछ समझ आ रही है? सर आ रही है, आ रही है बिल्कुल। आप जो जो स्टेप्स कर रहे हैं वो साथ साथ कर रहे हैं। जी सर आ रही है, बहुत अच्छी समझ आ रही है। रजा साहब है हमारे साथ? रजा साहब है हमारे साथ? जी सर बिल्कुल है। सबीन नहीं है हमारे साथ, वो टेलीफोन का नेट का इशू था। चले कोई नहीं। अच्छा जी, अब आरिफ और बाकी सब लोग ये देखे, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक सारा डाटा डाल लिया। ये जो प्लस माइनस का बटन है ना, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले तो ये प्लस का जो बटन है ना, इस बटन में इस चार्ट से रिलेटेड ऑप्शन आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सेंटर में ग्रिड लाइन क्वांटिटी ली हुई है, इसलिए कम है। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटर में जो ग्रिड लाइन है पहले तो ये खत्म कर रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि चार्ट का टाइटल मुझे अभी ना दो, खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे, मैंने यहाँ पे ना यूनिट सोल्ड डाले, तो मैं कहता हूँ मुझे वो यूनिट सोल्ड दिखाओ। तो डेटा लेबल्स कहते हैं, ये मैंने डाटा लेबल्स डाले हैं कि वो जितने जितने यूनिट सोल्ड हुए मैं दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नंबर दिखाएं तो नंबर फॉर्मेट आपने 100 सेपरेटर यूज करना है और ब्लैक है। एक ये चीज तो आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये बटन क्यों लगाए। अब पूरी स्क्रीन पे मैं आपको एक ही चीज दिखाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। मैंने ये जितने फील्ड्स डाले हैं ना, ये मैं माइनस का बटन दबाऊंगा ना, ये एक स्टेप पीछे, इसको एग्जांपल ऐसे देता हूं। पीछे ये पिवट टेबल को देखिए ये कैसे ऑपरेट होता है।
ये नजर आ रहा है जी आपको ये जी सर आ रहा है। इस पे मैंने पहले सेगमेंट डाले हैं फिर कंट्री डाले हैं फिर प्रोडक्ट डाली ऐसे ही यस सर जी सर। अब मैं यहां से एक स्टेप माइनस करता हूं कोलैप्स। अब आप देखें कि एक दफा मैंने वो सारी प्रोडक्ट्स उसने हाइड कर दी ऐसे ही जी सर ऐसे ही है। मैं फिर एक और दफा इसको दबाता हूं तो उसने बाकी भी ये टेबल देखा ना ये प्योर टेबल चेंज होता जा रहा है जी सर। अब मैंने एक ही प्योर टेबल पे बहुत सारे एनालिसिस करने हैं। अब आपने देखने हैं मैं क्या करूंगा। आप लोगों ने डिफरेंट सर ये जो प्लस माइनस का निशान है ना ये राइट साइड पे आपका आ रहा है राइट कॉर्नर पे मेरा नहीं शो हो रहा इसमें। आपका ऑफिस कौन सा है? ये है 13 है ये 13 मेरे ऑप्शन नहीं है मैंने आप सॉरी मैं आपकी आवाज से नहीं पहचान पा रहा आपको। हसन बात कर रहा हूं। हां हसन मैंने आपको याद है कहा था 2016 इंस्टॉल कर लेना वो मैंने किया नहीं आपने पावर क्वेरी का बोला था वो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर लिया था वो वाला। हां वो पिवट टेबल के अंदर ये ऑप्शन है यहां पे कोलैप्स की आ गई है 13 में मौजूद है। मैं आपको बता दूंगा कैसे होती है वो मौजूद है लेकिन मैं आपको डिजिटल बता दूंगा कैसे होती है ठीक है जी सर। मेरे पास भी 13 है इसी वजह से शायद नहीं हो रही है। हाँ तो पहली कोशिश तो आप लोग करें 16 कम से कम इंस्टॉल कर लें नहीं होगा सर। मैंने 16 किया हुआ है 16 प्रो मैक्स या इस तरह का है वो नहीं ये आईफोन थोड़ी है प्रो मैक्स कैसे आ गया नहीं आई थिंक प्री मैक्स या मैक्स था 16 मैक्स। चलो कोई बात नहीं हाँ उसमें ये आता है। अब हमने जो डेटा पहले देखा था ना मैं आप लोगों के सामने उसको इस तरह से देखने लगा। मुझे बताएं जब आप टेबल की शक्ल में देख रहे थे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता लग रहे थे किस कंट्री में किस सेगमेंट सबसे ज्यादा सेल हुए? नो सर नहीं सर उधर तो बड़ा रश लगा हुआ था। हाँ जी अब आपको नजर आ रहा है क्लियर आ रहा है क्लियर जी सर अभी आ रहा है नजर लेकिन अभी इसमें भी इशू है। हमें ऐसे कभी भी डाटा देखना ना तो उसका ऑर्डर होता है ऑर्डर से खराब में आता है कि आप या तो इसको ऑर्डर कराएं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कोई एक ट्रेंड होना चाहिए जो बताए। अब आप देखिए आपको अब क्लियर नजर आ रहा है जी सर आप क्लियर नजर आ रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कम यूनिट्स कहाँ पे सेल होते हैं? स्मॉल बिजनेस में सर जो है इसको सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं क्योंकि अब मैं आपके एक एनालिटिक्स की तरफ जाने लगा हूं। पहले मैंने आपको एक सिर्फ एवरेज सेल प्राइस कैलकुलेट करनी बताई थी। अब मैं कुछ एनालिटिक्स की तरफ जाने लगा हूं जो डिसीजन मेकिंग में यूज हो गए तो आप लोगों किसी को कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे यहीं पे बताएं। सर मेरी एक बात है ये जो आप ये जो पांच हमें नजर आ रहे हैं ये एक कंट्री में प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं ये वो यानी कि ग्राफ शो रहा है? नहीं नहीं आपने ये डाटा देखा था स्मॉल बिजनेस चैनल पार्टनर एंटरप्राइज मिड मार्केट और गवर्नमेंट जो है ना ये हमारा सेगमेंट है। ये देखो ये जो सेगमेंट था ना ये वाला इसको देखो ये कॉलम है ये सेगमेंट दिखा रहा हूं मैं कि हमारा सबसे पहला जो है ना वो सेगमेंट है ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हर सेगमेंट में कितने यूनिट बिके हैं ठीक है। हमें सबसे पहले क्या समझ आई सबसे ज्यादा यूनिट किस सेगमेंट में बिके हैं? गवर्नमेंट में ठीक हो गया। अब हमने गवर्नमेंट में बिकने की वजह आइडेंटिफाई करनी है या फिर हमने कुछ और चीजें देखनी है। अब मैं क्या करता हूँ एक और चीज बनाने लगा हूँ। हमेशा से जो मैनेजमेंट है ना वो नंबर्स ऐसे नहीं देखती इससे तो पता लग गया। वो कहती है कि मुझे बताओ कि मेरी परसेंटेज यूनिट सोल्ड कितने हैं। मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लगाने लगा हूँ आप लोगों ने मैथ्स का फार्मूला सिंपल अगर मुझे बताएं मैंने देखना हो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग साहब पढ़े लिखे मैंने निकालना हो जो स्मॉल बिजनेस के यूनिट्स हैं 153,149 यूनिट बिके हैं
वो मेरे 1125 टोटल यूनिट का कितने परसेंट है, तो क्या फार्मूला लगाऊं, कोई बता सकता है? स्मॉल बिजनेस के टोटल इनको 100 कर दें, बारी बारी बताएं, पहले पहले इसको एक बता बता दो। तो बताए जी, आप सारे कोई भी नहीं बता रहा। यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं वो कर लेते, ठीक है। मैं ले रहा हूँ स्मॉल बिजनेस में इतने यूनिट बिके थे और टोटल यूनिट इतने बिके थे, ठीक है जी? जी सर, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल यहाँ से परसेंटेज का साइन लगा दे, लग गया जी? जी सर। अब मैंने ये फार्मूला लगाना है सब के लिए, अगर मैं नीचे ऐसी फार्मूला लगा दूंगा तो ये क्या सही आएगा? यस सर, सही आएगा सर। जी सर, आएगा नहीं, नहीं गलत आएगा, देख गलत आया ना, क्यों बोला गलत क्यों आएगा, किसी को पता है, कुछ समझा सकते हैं? जी सर, वो सर लॉकिंग किया हुआ आपने, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ये देखे यहाँ पे मैं लगाता हूँ ना तो वो इसको इससे तकसीम कर रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो वो नीचे चला गया। जी सर, ठीक है। मुझे करना, मुझे करना क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको यहाँ पे मुझे फ्रीज करना पड़ेगा। एक्सेल में क्या कहते हैं कि ये, हाँ, ये वैल्यू वहीं पे फ्रीज हो जाए कि ये चेंज ना हो, बाकी चेंज हो। मैं यहाँ पे F4 का बटन दबाऊंगा तो वो इसके आगे पीछे डॉलर साइन लगा देगा, ठीक है, और ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा, आप देखिएगा, मैं इसको चेंज कर, अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो पहली वैल्यू और आखिरी है, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, पहली वैल्यू और आखिरी है, सही है? वेरी नाइस सर। जी सर, सर एक बार दोबारा बताएं सर, कैसे इसको फ्रीज कैसे करना है? मैं दोबारा से लगा, मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू। अब ये जो B7 आया ना मेरे पास, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और F4 का बटन दबाऊंगा, वो क्या करेगा, इसके शुरू में और एंड पे डॉलर साइन लगा देगा। इसका मतलब ये है कि आप, मैं इसलिए आपको इतनी थोड़ी सी एडवांस में इतनी एक्सेल, मैंने कहा आप लोगों को समझ आती होनी चाहिए, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो अब ये नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती जाए, ठीक है सर? इसमें एक क्वेश्चन है कि, हाँ जी 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 सर, सही है, क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, हमने जिस सेल को कांस्टेंट रखना है या जिस सेल को फ्रीज रखना है या जिस वैल्यू को फ्रीज रखना है, हम उसी के ऊपर कर्सर रख के उसी पे F4 दबाएंगे, इज इट क्लियर? यस, बिल्कुल। आप एग्जांपल ले लें, मैं देख रहा हूँ, ये मैं इस पे F4 दबाया था ना, मैं खत्म कर देता, खत्म हो गया। मैं क्या करता हूँ, B2 पे F4 दबा देता हूँ, ये देखो, अब देखिएगा क्या होगा। अब देखे B2 वैल्यू वहीं पे रहेगी, बाकी बदलती, फिर देखे वो नीला सेल वही का वही है, तो वो नीला सेल, नीला सेल रुक गया, बाकी फ्रीज नहीं हुआ, तो जो आपने फ्रीज कर रहा है ना उसके ऊपर आपने F4 दबाना है। अब बार 2-3 दफा दबाएंगे, सिंगल डबल सेल लगता है। मैं B7 पे F4 दबाता हूँ, अब ये मैं निकाल लेता हूँ जी कि ये कितनी परसेंटेज बनती है। आ गया जी नजर? जी जी आ गया जी। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यूज बनाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सेगमेंट है ना उसमें 42% यूनिट्स तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेगमेंट में बिकते हैं। तो बात समझ आई? यस सर। अगर मैंने यही एक सेगमेंट नया स्टार्ट करना हो किसी भी कंट्री में, तो मुझे पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे होगी, गवर्नमेंट एरिया में, सही है जी? अब मैं इसी को एक चीज देखना चाहता हूँ यहाँ पिवट टेबल में, ऐसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे वो चीजें नजर आ गए, मेरा फील्ड लिस्ट, मैं कहता हूँ शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ टोटल,
आप देख सकते हैं जो हमने उधर चीज बनाई थी वही तो वही बनेगी। मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं। नजर आ रही है जी स्मॉल बिजनेस में 13 नहीं आ रहा सर, 13.60 है ना, तो उसमें राउंड करके 14 कर दिया। तो आप लोग सर ने हां मैं नहीं नहीं मैंने मैंने राउंडिंग खत्म कर दी। आप देखिए नजर आ रहा है? यस सर जी सर आ रहा है नजर। जो मैंने यहाँ पे किया था ना मेरे पिवट टेबल के अंदर भी ये चीज मौजूद है। मेरे पिवट टेबल के अंदर भी ये चीज मुझे कैलकुलेशन अवेलेबल है। मैंने किया है यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मैंने यहाँ पे पहले हमने सम किया हुआ था ना। मैंने अभी एक सिंपल काम किया है कि मुझे शो वैल्यू जो है ना वो कॉलम का परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल दिखा दे। मैंने ये सिलेक्ट किया तो उसने दिखा दिया। ये जो आपने 13.60 बनाया था ये कॉलम के टोटल की परसेंटेज नजर आ रही थी ना। अब आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। मेरा ख्याल कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। यहाँ पे मैं कहता कुछ ना दिखाए, वापस वही नंबर आ गया जो आप देख रहे थे। यस सर। हेलो जी। हेलो जी जी। यस सर जी। सर आ रहे ना सर जी। सर आ रहे ना। हम ये सर आ रहे ना। अब मुश्किल तो नहीं हो गया? हो गया हो गया। नहीं सर जी सर एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय। अब मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने दिमाग जरा ना हल्के करने हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ये सिर्फ क्लिक्स का काम है। मैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतना लंबा बता रहा हूँ। अदरवाइज ये देखें ये आ गया नजर। अब मैं एक और काम अब मैं एक काम करने लगा। मैं कहता हूँ जी मुझे ये आपने पिवट टेबल लगाया था। मैं कहता हूँ ये सारा ना मुझे सिर्फ कनाडा का दिखा दो। ये आपके पास सिर्फ कनाडा का नजर आ गया। ऐसे ही है जी। कोई बंदा जवाब दे सकता है? यस सर। यस सर ठीक है। आप इसी तरह कंट्री चेंज करते जाएं, फिल्टर लगा के कंट्री चेंज करते जाएं, आपको सब नजर आता जाए। ठीक है जी। लेकिन सबसे ज्यादा सेल गवर्नमेंट में ही हो रही है। कॉर्पोरेट में हो रही है। बिल्कुल कॉर्पोरेट में हो रही है। ठीक है। मैं इसी तरह प्रोडक्ट देख सकता हूँ। मैंने देखना है जी मुझे एक सेगमेंट में गवर्नमेंट सेगमेंट में देखना है। ये गवर्नमेंट सेगमेंट है जिसमें मुझे सारी प्रोडक्ट देखनी। अच्छा अब मुझे सारे सेगमेंट पहले डालने पड़े। मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट पहले ऊपर ले जाता। अब देखते हैं मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ एक और सेगमेंट सिलेक्ट करता हूँ एक कंट्री सारी। अच्छा मुझे एक कंट्री में कंट्री भी ऊपर करके देखता हूँ। मुझे यहाँ दिखाना क्या है सर? ऊपर करने से क्या फायदा होगा? मैं यहाँ पे नीचे ना प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ। यहाँ पे कंट्री लिखे हुए है ना। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूँ। ओके मैं अब ये क्लिक करता हूँ। नीचे कंट्री को मैं और ऊपर ले जाता हूँ। कंट्री आ गई प्रोडक्ट दिखाओ मुझे। हाँ जी अब आ गया मेक्सिको कनाडा। अब आ गई प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है जी? जी यस सर। अब मैं सेगमेंट वाइज कंट्री वाइज प्रोडक्ट के यूनिट सोल्ड देखने लगा। सबसे पहले मुझे वो इसको क्या करते हैं हम ग्राफ को सीधा करने के लिए जिससे नजर आए सॉर्ट करा लो जी उसको। सर सॉर्ट करेंगे इसके। जी सर सॉर्ट हो गया। अभी मैंने हर चीज सिलेक्ट की हुई है सारे चैनल पार्टनर्स अगर मैं सिलेक्ट कर लो इधर से भी कंट्री सिलेक्ट कर लो इधर से भी सारा। मुझे बताएं जी पहली हमारी फाइंडिंग क्या थी कि गवर्नमेंट सेगमेंट में सबसे ज्यादा यूनिट सेल होते हैं। ऐसे ही है?
यस सर जी सर अब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी सेल होती है पैसियो पैसियो सर आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने पिवट चार्ट बनाए थे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था नो सर नहीं सर जहाँ पे हमने लिखा था अब पहले लिखा है जी मोस्ट यूनिट्स सोल्ड आर इन What segment? बताइए जी किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल गवर्नमेंट 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 याद हो अब याद हो गवर्नमेंट आप मुझे बताएं मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट बताए पेसियो सर पेसियो सर पेसियो पेसियो सर सॉरी पैसियो ठीक है जी मैं इधर लिख रहा हूँ पैसियो पी एस यू ठीक है जी ये एक हमारी एक फाइंडिंग आ गई जो मेजर लेवल की आ गई कि गवर्नमेंट सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी बिकती है पैसियो एक और चीज हमने आइडेंटिफाई की सर सबसे किस कंट्री में सबसे ज्यादा बिकती है ये तो हमने देखा नहीं नहीं अभी तो हम पहले पहले सेगमेंट में आप मुझे बताएं परसेंटेज ऑफ मोस्ट परसेंटेज ऑफ यूनिट हाईएस्ट हाईएस्ट 42 हाईएस्ट परसेंटेज गवर्नमेंट की 42 हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेगमेंट सोल्ड 42 गवर्नमेंट 42% थी जी और ये जियो गवर्नमेंट गवर्नमेंट में थी ऐसे ही है जी यस सर आप लोगों ने पिवट चार्ट जरूर बनाए थे अब ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना ये वो क्रक्स होते हैं जिनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं आप लोगों ने काम किया होगा मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन दिया किसी ने कभी नो सर बैर किसी और ने नहीं सर कभी भी नहीं दी सर पिच डेक दी है जी मैंने दिया सर सर जी दी है यूएमटी में तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जब मैनेजमेंट को आप मुझे बताएं कि आपने इतने डाटा में से आप कंट्री हेड है कंपनी के आपके मालकान ने आपको बुलाया है और आपने एक पेज पे इतने से पेज के ऊपर उनको बताना है कंपनी कहाँ खड़ी है अच्छा क्या है बुरा क्या है कौन सी चीज ज्यादा बिकती है कौन सी कम बिकती है और क्यों बिकती है वो जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो उस डाटे में से निकालनी कैसे है हम एक एक स्टेप करके उस पे चल रहे हैं समझ आ रही है जी आप सबसे पहले बताएंगे जी कि गवर्नमेंट सेगमेंट में 42% टोटल सेल्स में से 42% सेल होती है जिसमें से पैसिव प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकती है अब हमने बनाया कि पैसिव प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट का कितने परसेंट बिकती है बनाया हमने कि नहीं अब ये देखे दो तरीके हैं मैं ये जो फार्मूला इधर लगा हुआ था ना ये हमारा ये फार्मूला दोबारा लगाऊं मैंने ये रिपीट नहीं करना मैंने इमीडिएट बेसिस पे यही पे जाऊंगा यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाया था ऑप्शन आती है शो वैल्यू एज मैं आपने ये कैलकुलेशन देखी हुई है जी सर अप्लाई भी की हुई है बस ठीक है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ आपको यहाँ पे पता लग गया ये कितने परसेंट है पैसिव टोटल प्रोडक्ट्स का 30% मतलब ये हुआ कि पैसिव प्रोडक्ट जो है एवरेज अब मेरा सवाल है उसका जवाब दे पैसिव प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से एवरेज कितने परसेंट ज्यादा सेल होती है सर 15% अब आप बताइए आपने कैसे ये सोचा मुझे जवाब दे आपने जवाब ठीक दे दिया ये सर देखे ना वो 14 और ये बाकी है ना इन सब के देखा इनको
ये जो अमेरेला है, वीलो है, वीटीटी है, मोंटेना, इन सब की जो परसेंटेज है वो तो 13 और 14 में जा रही है, तो इसकी डबल है इनसे। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हॉट प्रोडक्ट कौन सी है जी सबसे ज्यादा बिकती है? ठीक है जी। अब हम सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सर ये चार्ट के अंदर हम ये कैसे किसी तरह दिखा सकते हैं कि ये एवरेज के हिसाब से ये हाईएस्ट किस तरह जा रही है, इस तरह ग्रोथ और हाँ जी हाँ जी, वो हमें डेटा बनाना पड़ता है, हम उस पे बिल्कुल एंड पे जाएंगे कि डिफरेंशियल बनाना पड़ता होता है ना कि वो उससे कितना फर्क है। ये सारे स्टेप्स इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम जरूर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब आपने आइडेंटिफाई क्या किया है कि गवर्नमेंट सेगमेंट 42% में सेल्स का करता है और पैसिव प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल करती है, ऐसे ही है जी? यस सर, ये ओवरऑल है। अब हम देखते हैं कंट्री वाइज, देखते हैं एक एक चीज को, मैं यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, कनाडा में प्रोडक्ट देखते हैं क्या रिजल्ट निकला, कोई समझ आई? 31% और हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है कंट्री कनाडा में भी वही ट्रेंड है, ये बात मैं कह सकता हूँ? जी यस सर, जी सर। उस्मान आप मेरे साथ हैं, आपको समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है सर। मोहित आपको समझ आ रही है? जी सर आ रही है। फजीला आपको भी समझ आ रही है या निकल गई बात? सर आ रही है। ओके, और रजा साहब आप हैं हमारे साथ? जी जी अपना ये सर मैं इसको काफी हद तक इन चीजों को मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना ये जो कॉलम की परसेंटेज ये वाला ये चीज मुझे थोड़ी सी नहीं है मेरे लिए। जी सर अभी अभी मैं ऐसा में ना बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, मैं एक एक करके कर रहा हूँ ताकि ये हजम हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमने करनी है, तो मैं इसलिए अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि हजम होती है। जुल्फकार साहब आप हैं हमारे साथ? सर जी जी सर मैं हूँ आपके साथ। सर आई होप कि आपको भी चीजें क्लियर हो रही है, कुछ मतलब आइडिया हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने ट्रेंड देखा है कि कनाडा क्वेश्चन है। जी जी सर, सर ये जैसे आप ये फिल्टर से क्लिक करके इसको हम चेक कर रहे हैं कि कौन से कौन सा प्रोडक्ट कैसे सेल हुआ है, तो ये जैसे सर मैंने स्लाइसर लगाए थे तो वो भी ऑप्शन ठीक है या वो इससे आगे है नेक्स्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है, स्लाइसर एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आपने एक से ज्यादा चीजें लाइव देखनी हो ना तो स्लाइसर ही यूज किया जी जाता जी। है मैंने पहले कोर्स में पूरा स्लाइसर लगा के ना एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया जी, था जी, मैंने वो पूरा सिखाया जी, था मैंने उसी से देखा था सर। हाँ वो मैंने पूरा सिखाया था, तो एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ इस डेटे से सवाल क्या पूछने, सवाल पूछ के आपने उसमें से जवाब क्या निकालने हैं और उनको नोट कैसे करना। आपके पास डेटा सेट बहुत होते हैं, डेटा सेट बहुत होते हैं, लेकिन डेटा सेट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बना के इंफॉर्मेशन रखने का फायदा कोई नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपने इसको समझना है। उमेर आपने मुझे बताना है कि क्या ये स्टेप्स आप, क्योंकि आप थोड़ा सा बाकी लोगों से एक स्टेप आगे करके आए हो, आपने मुझे बताना है कि क्या आपने भी ये ट्रेंड ऐसे देख के एनालाइज किए थे कि जो परसेंटेज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है आपने उसका एक ओवरऑल ट्रेंड और कंट्री लेवल के ट्रेंड में कहीं वेरिएशन निकाली थी, जिस तरह ओवरऑल सेल्स ट्रेंड में पैसिव प्रोडक्ट टॉप पे आ रही है, कनाडा में भी अभी टॉप पे आई है, ऐसे ही है? अगर आप सर मेरी शीट ओपन कर लें। मैं करता हूँ मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैंने एंड में सब की शीटें खोल लिया, 5-7 मिनट बाद उधर उसकी तरफ चलते हैं। चलो ठीक सर, रेट ना हो जाए सर, ये देखिए ठीक सर। अब यहाँ पे भी तकरीबन वही ट्रेंड है जी, फ्रांस में भी वही ट्रेंड है, जर्मनी में थोड़ा ट्रेंड ऊपर चला गया ना,
और मेक्सिको में उधर ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेंड है जी सारी प्रोडक्ट्स का हर कंट्री में। हमें समझ आ गई? जी सर आ गई। जी सर। ये तो हमने यूनिट सोल्ड देखा था ना, हम इसमें एक और चीज देखते हैं, इसमें प्रॉफिट भी था ना, प्रॉफिट भी हमने देखते हैं कि हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ पे हो। सेल्स तो हमने देख ली कि हमारी सेल सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, हम देखना चाहते हैं हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है चीजें बिकने में। एक तो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, इसको मैं सॉर्ट कर लूं जी। एक तो एक अंडरस्टूड समझ आ गई है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है वो प्रॉफिट भी ज्यादा देती है, ऐसे ही है? बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन अभी एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको नजर आएगा। तो मेरी मेरी शीट के अंदर ये जो वेरिएंस आप देख रहे हैं वो मुख्तलिफ होगा क्योंकि मेरे मेरे प्राइसेस चेंज कर दी थी। हाँ जी प्राइसेस चेंज कर, ठीक है। अभी मैं अभी एक और चीज परसेंटेज देखता हूँ कि टोटल परसेंटेज हमारी जो है ना परसेंटेज ऑफ कॉलम, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अब आपने किसी ने कोई डिफरेंस फील किया मुझे बताएं? आपने पहला जो टेबल बनाया था उसमें यूनिट्स सोल्ड थे, इसमें प्रॉफिट। मुझे बताएं कि आप कहीं कोई फर्क है, क्या फर्क नजर आ? सर पहले वो 30% था, 34.07% हो गया। वो 34% थी कि टोटल यूनिट्स में से 34% तकरीबन यूनिट्स बिकती थी, 30 से 35 के बीच में पैसिव प्रोडक्ट, ऐसे ही है जी सर। लेकिन एक चीज नोट किया आपने, यहाँ पे यूनिट सोल्ड सबके बराबर थे, तकरीबन 13-14-15 ऐसे ही था जी। जी किसी ने नोटिस की है ये बात? जी 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 सर जी 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 किया था। अब आप नोट करें, नोट करें, इसी में मैं एक और चीज डालता हूं जो हमने डाली थी यूनिट सोल्ड, और इसको भी मैं परसेंटेज में दिखाता हूं। अब इसमें से मुझे बताएं जी क्या फर्क फील हो रहा है इसकी, इसमें से मुझे कुछ सोच के बताया कि फर्क क्या है। मैं लेजेंड भी डाल देता हूँ, मैं लेजेंड भी डाल देता हूँ, आपको नजर आ जाए कि वो है क्या चीज। इसको टॉप पे ले जाता हूँ, आपको नजर आए। ये जी नीले वाला जो है वो प्रॉफिट है और जो दूसरा वाला यूनिट सोल्ड है। मुझे बताए कि यहाँ पे, हाँ जी सर, कहीं मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कहीं पर जो हमारा है ये यूनिट सोल्ड जो है ना उसकी परसेंटेज ज्यादा है, जैसे अभी 34 है यहाँ पर और 7 है, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर फिर जो है प्रॉफिट ना वो कम ज्यादा आ रहा है जी। असल चीज आइडेंटिफाई ये करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है ना VTTT इसके यूनिट्स को, इसके यूनिट्स हमारे ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। हाँ जी, अगर आप कम है प्रॉफिट ज्यादा है, बीटीटी के यूनिट्स कम है प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, और पेसियो का भी यूनिट सोल्ड जो ज्यादा है प्रॉफिट कम है इसका, और विलो जो है उसका सेल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन कम है, विलो इसके मुताबिक जो है वो प्रॉब्लम वाला एरिया है। दोबारा से रिपीट करें, वीलो जो है वो प्रॉब्लम वाला एरिया आइडेंटिफाई इस तरह हो रहा है कि उसके मैक्सिमम परसेंटेज जो शेयर है सेल्स के यूनिट्स के अंदर वो 15% है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 9% है। yes. और बेटर साइड के ऊपर VTT जो है वो उसके यूनिट सोल्ड कम है कंपैरेटिवली शेयर के हिसाब से, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन अकॉर्डिंगली ज्यादा है। इससे अगर एक और चीज भी पैसिओ में देखी जाए कि वो तकरीबन बराबर बराबर है, यूनिट सोल्ड और प्रॉफिट शेयर तकरीबन उनका मैच करता है आपस में। ये तीन किस्म की फाइंडिंग है इसमें। अब मैं किसी और से सवाल पूछूंगा या कोई वॉलंटियरली मुझे बताए कोई जवाब देगा उमेर के अलावा। उमेर आपके साथ की टीम जो है वो स्लीपिंग मोड में है? नहीं सर, जाग रही है वो, मेनू आगे कर देंदे ने रोला है। नहीं नहीं सर
अच्छा मैंने एक सवाल पूछना है, कोई वॉलंटियर नहीं मुझे बताए कौन जवाब देगा, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुझे खुद बंदा बताए मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं दे देता हूँ सर, आपके अलावा जो चार बंदे बोल रहे हैं उनके अलावा जो नहीं बोल रहे उनमें से किसी को बंदा चाहिए। जी सर मैं कोशिश करूंगी। आप भी बोल रही हैं और जो सोए हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं सर। हाँ जी हाँ जी। रजा साहब। जी सर। अच्छा रजा साहब मुझे बताएं, आप एज हेड ऑफ कंट्री हेड फंड करें, आप इस कंपनी के कंट्री हेड हैं, आप मुझे बताएं सर कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन आप चाहेंगे कि मैं कम कर दूं बाकियों की बढ़ा दूं। दो प्रोडक्ट बतानी आप। जो वेलो और अम्ब्रेला जो है, नहीं वेलो और ये कैरेटेरा जो है इसको मैं रिड्यूस करूंगा। सर उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन ये है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50-60% के दरमियान में है यूनिट सोल्ड के हिसाब से, जबकि बाकियों का जो है वो बेटर है। यस ये एक सवाल था। अब आप हसन आपसे भी मैं हसन आप साथ हो ना? जी जी सर साथ हूँ। ठीक है, ये चीज हमें इस डेटा सेट से पता लग रही है कि कौन सी प्रोडक्ट स्केलेबल है और कौन सी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हो सकती है। आप अगर छोटे लेवल पे घर पे एक फूड का बिजनेस भी स्टार्ट करें, कपड़े का भी करें, फ्रीलांसिंग भी करें, तो हमें अपने डेटे को इस तरह से देखना आना चाहिए। लेकिन ये सारी देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास डेटा होना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने आपको जो डेटा दिया ना बहुत साफ सुथरा है। सर एक मेरी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। पूछे। जिस तरह ये इम्तियाज का स्टोर है या कोई भी स्टोर है, तो वो उसके यानी कि उसके पास डाटा सेट तो होगा, ये उसने कोई डाटा एनालिस्ट भी बिठाया होगा जो उसे बता रहा होगा कि मैं यही आपको बताने लगा था कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोर्स को ऑफर कराई थी कि आपके पास हर चीज मौजूद है। आप जब शॉपिंग करते हैं तो बार कोड से, कल मैं इम्तियाज गया था भैया बैरिया वाले, तो उन्होंने बार कोड से सारी आपकी वो एंट्री नहीं करते, बार कोड लगा था उसे आपकी प्रोडक्ट स्कैन करते और एंट्री हो जाती है कितने की सेल है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, इधर भी ऐसे पॉइंट ऑफ सेल लगे हुए हैं। ठीक है, जब वो एंट्री हो जाती है उसके बैक एंड पे डैशबोर्ड कहीं नहीं बनता, आपको वो इन्वेंटरी बता रहा होता है कि स्टॉक है या नहीं है, खत्म हो गया। ये जो चीज आप अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना, दुनिया में अभी इस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा आ चुकी है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि मेरी रजा साहब से डिस्कशन हुई थी। रजा साहब आप बताएं, जो हमारी डिस्कशन हुई थी, जो एमसीबी के पास दुनिया की कौन सी चीज नहीं है जो वो बी आई डिपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, जरा बाकी लोगों के नॉलेज में। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो एनालिटिक्स का डिपार्टमेंट है ये उनका वीकर एंड पे है, और जिसकी वजह से वो अब इसके ऊपर बकायदा काम कर रहे हैं कि हमें जो है वो एनालिटिक्स के जो है वो स्मार्ट जो है वो कैंडिडेट्स चाहिए, ताकि जो है वो हम बिजनेस को जरा डायनेमिक तरीके से चला सकें। और उसकी रीजन ये है कि मार्केट में बंदे अवेलेबल ही नहीं। उसकी रीजन exactly. ये है कि हर जगह पे आप लोग जितने लोग भी काम कर रहे हैं, एक्सेल यूज होती है, ईआरपी यूज होता है, फाइनेंशियल यूज होते हैं, डेटा बहुत मौजूद है, रिपोर्टें अन्यवा रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए एंड पे डैशबोर्ड नहीं अवेलेबल, जिस पे आप कंपनियां फोकस कर रही हैं कि वो हमें ऐसी चीज दिखाएं जिससे हम कुछ चीजें चेंज कर सकें। समझ आई जी? जी सर अभी सर। अभी हमने देखा जी कि यूनिट सोल्ड है और वो है। अभी हम एक और चीज देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किधर ऑफर हो रहा है। मैं डिस्काउंट डालता हूँ और ये डिस्काउंट भी मैं परसेंटेज में, अभी हम सारे नंबर परसेंटेज में इसलिए देख रहे हैं तो सारे मैच कर रहे हैं।
आप मुझे बताएं जी सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ ऑफर हो रहा है, किस प्रोडक्ट में? वीटीडी पे, लो पे, वीटीडी पे जी सर, वीटीडी पे और फिर वीलो पे। नहीं सर, आप क्या समझ रहे हैं? पैसियो पे। आप मुझे बताएं प्रोडक्ट तो पैसियो सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे गंदी हमने देखा था ये शुरू वाली कार्टेरिया थी, वेलो भी गंदी थी, लेकिन डिस्काउंट सबसे ज्यादा ऑफर हो रहा है वीटीटी पे, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है सर? सर सेल्स इंक्रीज करने के लिए। ये तो होगी पॉजिटिव साइड, लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या है, क्यों यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा ऑफर हुआ हो रहा है? ऑफ टेक इसकी कम हो रही होगी। यस सर, बल्क में यूनिट्स सप्लाई होंगे, इन्वेंटरी बहुत ज्यादा होगी, वीलो की इसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस मामले में वीलो ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं, इफेक्टिव तो है, लेकिन देखिए हम दो चीजें हमने देखे, वीटीटी में हम कामयाब है ज्यादा डिस्काउंट दे के, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा, थोड़े बेच के भी प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हैं, समझ आइए इसको देखे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों? इस सवाल का जवाब है, इस कोई बताए कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा है वो। यस, देखे यूनिट कम बेच के, कम है उसकी, हाँ। यूनिट हम कम से कम बेच के भी ना ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ डिस्काउंट देना जो है ना वो प्रॉफिट में निकल आएगा, बिल्कुल ऐसा है, जायज बन गया इधर देना डिस्काउंट। हाँ जी, और वेलो पे आ जाए, वेलो पे देखे वो कह रहा है अन्य बार डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट दे के भी प्रॉफिट के ला चेक करें। आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये डिस्काउंट फर्ज करें शालमी में ऑफर हो रहा है और ये बैरी अटॉन में ऑफर। ये तो उल्ट कर दिया। नहीं नहीं, मतलब कहने का है कि शालमी में हर बंदा जा ही नहीं सकता, वो जाएगा तो डिस्काउंट लेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बंदर फंस जाता है रश में। हाँ जी, तो आपने ये एंगल्स देखने हैं किसी भी डाटा सेट में, अभी 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 हमने सिर्फ कुछ चीजें देखनी शुरू की, अभी इसमें आपने बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ देखना है, ठीक है जी? ठीक है सर। अब मैं एक चीज और ऐड करने लगा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी को पता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती क्या है? यही तो मैं पूछने लगा था सर, ये बता दें। कौन बताएगा जी? सर इसके अंदर वैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव से करें तो इन्वेंटरी आती है, ओपनिंग इन्वेंटरी आती है, परचेजेस आती है आपकी, फ्रेट आता है, कैरेज आता है, क्लोजिंग इन्वेंटरी आती है, मतलब टोटल कॉस्ट जो है ना आपको पड़ रही जी। अब इसको एक सादा जुबान, उमर आप सादा जुबान में समझा सकते हो ये सर ने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो सेल हुई आइटम्स हैं वो आपकी कितनी कॉस्ट में आई थी, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं कि जो यूनिट आपके बिके हैं उसकी कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भाई ने जिस तरह पहले बताया एग्रीड के कॉन्सेप्ट, बुकिश कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हम लोग सेल्स के जो लोग हैं हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह देखते होते हैं कि जो यूनिट हमारा बिक रहा है उसकी कॉस्ट क्या थी। अच्छा ये तो हो गया, कॉस्ट क्या थी, वो जो यूनिट हमने लिया है या बेच रहे हैं, लेने जो यूनिट हम बेच रहे हैं, जो हम यूनिट बेच रहे हैं, जो हमारा बिक गया उसकी कॉस्ट क्या थी, हमारी परचेज प्राइस क्या थी। हाँ यही ना। अच्छा इसमें मुझे समझाएं आम लोगों के लिए, जो बाकी लोग हैं ना जिनको अभी ये चीज का नहीं पता। मैंने सर एक चीज खरीदी 100 रुपए में और मैंने बेच दी 200 रुपए, ठीक है? आप मुझे बताएं कि 100 में खरीद के मैंने 200 में बेची है और उस पर मुझे 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? 100 रुपए होगी, 150 रुपए होगी, 50 रुपए होगी या 150 रुपए होगी? 50 रुपए होगी। क्यों होगी? उमर आप ही बताएं, आप
आपको मैं आपसे भी पर्पज यही था सर, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैंने एक चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक जी है? सर मैंने 200 में बेच दी जी सर, प्रॉफिट 50 रुपए हुआ, ये कैसे हो गया सर? हमने डिस्काउंट डाल दिया बीच में? नहीं, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 100 सर प्रॉफिट कैसे 50 रुपए हुआ होगा आपका? 50 डिस्काउंट है नहीं, मैं आपको ये बताने लगा, एक्चुअली प्रॉफिट 50 रुपए। वो कैसे? अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा कि KFC का जिंगर माइटी बर्गर 600 का है, प्राइस इसका 300 का, चिकन तो कुकड़ तो सेम ही है। अब समझिएगा मैंने जो सवाल पूछा था, आपने 100 रुपए में चिकन को खरीदा ना, उसके ऊपर 50 रुपए की आपने पहले वैल्यू एडिशन की। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन नहीं, नहीं मैंने वैल्यू एडिशन क्या किया, मैंने उसकी मैंने क्या किया, जितने में खरीदी थी उसकी सफाई सुथराई बढ़ा दी, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए, मैंने कुछ अपने आउटलेट्स बढ़ा दिए, मैंने मशीनरी ज्यादा लगा दी, मैंने पॉज मशीन लगा दी, मैंने पॉज ड्यूप्लिकेशन कर दी। टोटल कॉस्ट तो फिर 150 कंसीडर होगी। यस, लेकिन परचेज मेरी 100 की थी। नहीं, वो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के अंदर जितने भी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है बिफोर सेल्स, वो सारी ऐड होंगी। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ, आप परचेज प्राइस, मैंने कहा था मैंने 100 की खरीदी, 200 की बेची, प्रॉफिट 50 है। याद समझ आई अब सवाल? जी सर, जी जी समझ लग गई सर ये। हाँ, तो आप क्या करते हैं, आप देखें मैं क्या करता हूँ, अभी फेसबुक पे क्या हो रहा है, आप शालमी से प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 रुपए की या 1000 रुपए की, आप अपने फेसबुक पे लगाते हैं 1500 रुपए, ऐसे ही है जी? Yes, sir. जी, लेकिन जी, आपने खरीदी 1000 रुपए की, तो आपको कॉस्ट उसकी कम से कम 1300-1200 रुपए पड़ जाती। क्यों? क्योंकि आपने टाइम निकाला, आपने बाइक निकाली या गाड़ी निकाली, आप चालमी गए, आपने नेगोशिएट किया, आपने उसकी रैपिंग की, आपने ला के रखी, आपने इंटरनेट चलाया, आपने यूज किया, ये जितनी एडिशनल चीजें आ रही स्टोरेज कॉस्ट हो गई उसको रखने की, स्टोरेज की सारी कॉस्ट आ गई ना सर, परचेज प्राइस आ गई, रास्ते में अगर उसने बोतल पी ली वो भी कॉस्ट आ गई। यस यस यस, और चाय पी ली, दो बंदे साथ ले गया, बाद में कुछ चार टूट गई ना, सामान उठा के लाया। हाँ जी, अब आप बंदे को अब सारी ऑडियंस को सर, ये वेंडर ने बोतल पी थी, सर वेंडर ने बोतल पी थी कि एम्प्लॉई ने? पता क्या, ये बात मुझे इस तरह से याद आ गई, हमारा एक दोस्त आता होता था मुल्तान हमारे पास ना, तो हमारा एक और दोस्त निकलता था, कहता है अगर तुम ना आते तो मैं बाहर ना निकलता, मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ा, फिर मैंने सिगरेट लिया, फिर मैंने बोतल पिया, तो मेरा तुमने 300 लगवा दिया। तो अब मैंने जो जो लोग नॉन फाइनेंशियल थे ना, मैंने उनको समझाने के लिए आम जुबान में कहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपने कोई छोटे से छोटा बिजनेस करना है तो आपको पता, आप मुझे बताएं, छोटा सा भी अगर घर पे किसी ने खाना पका के भी बेचना है, तो आपने अगर बिरयानी की प्लेट बेचनी है तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी सर। ये अभी कौन बोला है? उस्मान। आरिफ है? आरिफ, मुझे आरिफ की कोई आवाज नहीं आ रही। जी सर मैं हूँ लाइव पे। नहीं, आपको समझ आ रही है? मुझे टेंशन ही है। सर बिल्कुल समझ आ रही है, मैंने एक दफा कुछ बोला हूँ। अच्छा, वो क्रॉस में फिर पता नहीं चला होगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई है। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिंपल दिखाने लगा, ये इसको फिर से सॉर्ट कर ले जी। ये सर कॉस्ट ऑफ गुड आपने ये उधर वैल्यू वाले में ऐड किया है? हाँ जी। ओके सर, अब आप देखें जी कि
पैसिव की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी सबसे ज्यादा है जी। अब मुझे कोई बता सकता है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा क्यों है? एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके साथ अगर आप प्रॉफिट भी साथ ऐड कर दें। चलिए मैं प्रॉफिट भी ऐड कर देता हूँ, ये ले। ये ले जी, कर दिया। अब मजा आएगा। आप बताएं। उनके नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है इसलिए उनकी कॉस्ट ज्यादा है। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट वैलिड आंसर है कि अगर आपने ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं तो उनकी मेंटेनेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स भी ही ज्यादा होगी। ऐसे ही है जी। अच्छा, अब मैं आपको ना अभी क्योंकि 11:30 होने लगे हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना आपको आज का लेक्चर एंड करूंगा, फिर मैं आपको इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे बताएं ब्रेक इवन क्या होता है, किसी को पता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। जी बोलो सर। नो प्रॉफिट नो लॉस और ब्रेक ब्रेक इवन जो होता है उसका मतलब क्या? सर आपकी कॉस्ट जो है वो कवर हो रही हो। मैं आप जो भी बता रहे ना, मेरे पास कुछ ऐसी ऑडियंस भी है जिसको फाइनेंस की बिल्कुल मेरा ख्याल बेसिक्स नहीं पता। आपने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाना है कि ब्रेक इवन क्या है। इससे एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, लेडीज भी हमारे साथ, सर इस तरह से समझाए, जो भी समझाए कि मैंने एक घर पे, मतलब मैं बिल्कुल फारिग हूँ, मेरी जॉब नहीं है, मैंने एक छोटा सा काम शुरू करना है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ कोई समझाए। सर मैं समझा देता हूँ। हसन जी, जी 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 हसन, मैं जिस तरह अभी फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा होलसेल का काम कर रहा हूँ टी शर्ट्स का, तो मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ साथ आपको। मुझे वो टी शर्ट्स जो कॉस्ट कर रही है, जो मुझे कर रही है कॉस्ट, वो कर रही है 500 रुपीज पर पीस। मैं पर पीस के हिसाब से बात करूंगा अभी। मुझे आपने ये भी बताना है कॉस्ट से क्या मुराद है। आप कॉस्ट करने का मतलब है कि वो मैं जिस बंदे से परचेज कर रहा हूँ वो मुझे 500 रुपीज की दे रहा है। वो अभी इसके अंदर फ्रेट नहीं इंक्लूड हुई, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ये अभी परचेज प्राइस है जो कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। 500 रुपीज परचेज प्राइस है, उसमें पर यूनिट अगर हम फ्रेट यानी जो सामान लाने की कॉस्ट है अपने पास वो अगर इंक्लूड करें तो मुझे वो प्रोडक्ट पर पीस 550 रुपए में पड़ रहा है। 550 का वो मुझे पड़ रहा है। अब मैंने किसी को आगे अगर ये प्रोडक्ट बेचना है तो वो मेरे से 550 में खरीदेगा तो मेरी पूरी पूरी जो कॉस्ट है वो कवर होगी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट मेरे से उठाएगा वो जो कैरेज का एक्सपेंस है वो उठाएगा, तो वो उसकी कॉस्ट में आएगा, मेरी कॉस्ट में नहीं आएगा। तो 550 रुपीज अगर मुझे मिल जाते हैं पर पीस के बदले तो दैट इज मेरे लिए वो ब्रेक इवन है कि मैं मेरी 550 रुपीज की जो कॉस्ट है वो कवर हुई है, ना मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है ना मुझे कोई लॉस हुआ है उस टाइम पे। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। आपकी 450 कॉस्ट है, 500 टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। अब आपने 100 शर्ट्स खरीदी तो 500 के साथ मैं अगर 10 खरीदी, चले 5 को साथ 10 लगाऊं तो 5000 की आपने खरीदी, ठीक हो गया जी ना? मतलब जी जी बिल्कुल 450 के हिसाब से खरीदी और 50 पे कॉस्ट डाल के आपको टोटल वो पड़ गई 5000 की 10 शर्ट है, आपने 5000 में बेच दी। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। हम इस और ये मुसलसल चलती रहे हर महीने, हम इसको फिर क्या कहते हैं कि बिजनेस ब्रेक इवन पे पहुंच गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे इसमें कोई और बंदा मुझे बताए कि मैंने इस महीने बिजनेस शुरू किया, मैंने 50 शर्टें खरीदी, क्या मैं पहले महीने 50 बेच लूंगा? नहीं 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 बिकेंगे,
इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी सर, आपने देखा होगा कि हर साल बहुत सारे बिजनेस शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? वो चीज फर्ज करे 500 रुपए 5,000 की खरीदते हैं और बेचते हैं वो 3,000 की, तो 2,000 रुपया उनका नेगेटिव हो जाता है। वो पिछले 5, 7, 6, 8 महीने तक ऐसे चलते हैं, पता लगता है उनको प्रॉफिट होने की बजाय 70,000 लॉस हो गया। ऐसे बर्गर वाली दुकानें 90% खुलती है, बंद हो जाती है। Exactly, वो देख के खोल लेते हैं और देख के बंद कर देते हैं, उनको कैलकुलेशन कोई नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्रेक इवन कैलकुलेशन करने के लिए कोई तरीका आना चाहिए कि मैं किस स्टेज पे पहुंचूंगा जहां जाके मेरा बिजनेस प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पेपर पे ब्रेक इवन डिजाइन करना पड़ता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में आपको बताता हूँ, उसको IRR कहते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसकी एग्जाम्पल ये ले लें, हम एक वीकन हाउस का नया स्कूल खोलने जा रहे हैं कालाचा काकू में, वहां पे हम, मैं नंबर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर हम वहां पे 50 करोड़ रुपया लगाएंगे ना, हमने कैलकुलेट ये करना कि ये 50 करोड़ रुपया कितनी देर में हम वापस लेंगे और उसके बाद हमें प्रॉफिट शुरू होगा, क्योंकि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस भी तो लेके आनी होती ना। आपके पास 2 लाख की आपने बर्गर का बिजनेस शुरू किया, जब आप बंद करें तो आपके पास 50,000 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया ना। तो ये कैलकुलेशन सारी डाटा एनालिटिक्स बताती है, जिस वजह से जो लोग बेस्ड ऑन डाटा कोई भी काम शुरू करते हैं ना, उनको पता होता है पेपर के ऊपर वो क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे बिजनेसेस की प्रॉब्लम ये है कि हम पेपर पे कुछ नहीं करते। आप ये सारा कुछ अभी जो आज कर रहे हैं, ये सारा पेपर के ऊपर कर, ठीक है जी। 11:30 हो गए हैं, तो आई वुड लाइक कि मैं इसको लेक्चर को रोक दूं और मैं आप लोगों से अब एक असाइनमेंट फर्दर दे दूं। व्हाट डू यू से? जी 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 बिल्कुल नहीं सर, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर होगा काम। यस, अभी हम डेटा सेट यही रखेंगे, ठीक है। इस डेटा सेट में आप लोगों ने, अब डेटा सेट में जिस तरह से हमने आज स्टडी किया, इस तरह से आपने स्टडी करना है। आप इसमें बहुत और सारी चीजें निकाल सकते हैं, मैंने सिर्फ वो फाइल खोली थी, मैं ने कहा मेरी फाइल तो खोली कोई नहीं, बाकियों ने भी, मैंने फाइल इसलिए नहीं आज किसी की भी खोली क्योंकि पिवट टेबल तक तो मुझे आइडिया था कि सब ने किया हुआ, ये पिवट टेबल तक ये बनाए हुए थे चार्ट्स, ये स्लाइसर लगाए हुए हैं इसने उमेर ने, तो ये सारी चीजें बनी हुई। अब आपकी असाइनमेंट कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये मैंने बाय प्राइस बनाई हुई है। हाँ जी, अब मैं आप लोगों से पता क्या रिक्वायर करूंगा, मैं रिक्वायर करूंगा कि आपने एक डेटे का फ्लो बना के ना चार्ट्स बनानी। फ्लो से क्या मुराद है जी? फ्लो से मुराद ये है, ये पहुंच की खोली थी मैंने ये बात। अब मुझे फर्ज करें, मुझे परमानेंट एक पेज के ऊपर ना हर चीज, जिस तरह स्लाइसर आपने लगाए, यहाँ पे सेगमेंट नजर आए, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे सेगमेंट का मुझे नजर आए, सारा कुछ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया जी, यहाँ पे मुझे कंट्री का नजर आए, यहाँ पे प्रोडक्ट का नजर आए, यहाँ पे उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नजर आए, यहाँ पे प्रॉफिट नजर आए, ये सारी चीजें नजर आए, लेकर मैं यहाँ से प्रोडक्ट एक सिलेक्ट करूं, जिस तरह इसमें आपने स्लाइसर लगाए। फर्ज करें आपने प्रोडक्ट अम्ब्रीला लगाई ना, पहले मैं फिल्टर खत्म कर दूं, ये भी फिल्टर खत्म कर दूं, ये अब इसमें देखो मैं, ये आपने यहाँ सेगमेंट बनाए हैं, ठीक है जी सर, और सेगमेंट में आपने क्या क्या चीज दिखाई है, नेट सेल्स दिखाई है और यूनिट्स दिखाए हैं, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू। अब आपने इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, जो हमने चार चीजें बनाई थी ना, चार चीजें बनाई है हमने, यूनिट सोल्ड, सेल्स,
जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉफिट जी जी सर ठीक है फ्लो नजर आए थे ठीक है हर सेगमेंट ठीक है फिर ये एक एक ही चीज से हम यहां से क्लिक करते जाए और डिसीजन करते जाए ठीक और ये जो आपने मंथ वाइज बनाया है ना तो ये मंथ वाइज भी थोड़ा सा इसमें और चीजें भी ऐड होनी है वो भी आप ट्राई करें तो फिर इंशाल्लाह हम इस पे चलें ठीक है थोड़ा सा गाइड करते हैं क्या हो सकता है अच्छा जी मैं गाइड कर देता हूँ इधर से करता मैं कह रहा था टाइम हो गया बाकी जो जाना चाहता है वो जा सकता है क्योंकि हमने कमिटेड टाइम 2 घंटे रखा हुआ है इफ एनीबॉडी वांट्स टू गो वो जा सकता है बाकी रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ सर मुझे वो बेसिक वीडियो भेज दीजिएगा ऑफिस में हाँ जी बिल्कुल भेज दीजिए बिल्कुल चार को जाना कोई सबको भेज दीजिएगा मैं सबको ग्रुप में भेज दूंगा ग्रुप में भेज अब मैं ये बताने लगा हूँ यार मैं फिर बंद कर देता हूँ उसको फोन पे फिर ऊपर से बंद कर दूंगा अच्छा जी मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा सबसे पहला सेगमेंट है सेगमेंट की मैं देखना चाहूंगा जी यूनिट सोल्ड कितने और उसकी ग्रॉस सेल्स कितने जी ठीक हो गया इसमें ग्रॉस सेल्स दोनों मुझे चाहिए परसेंटेज वाइज पहले ठीक है मुझे परसेंटेज वाइज चाहिए ये भी ताकि वो दोनों आपस में क्लोज आए मैचिंग आए ठीक है जी ये चारों चैनल्स आ गया ये चारों चैनल्स आ गया इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ तो नजर आता है इसको मैं ऐसे उड़ा देता हूं ताकि चले कहीं पे गायब हो ये एक चीज आ गई मुझे फिर दूसरा चाहिए इसी में चाहिए क्या एग्जिस्टिंग शीट कलर कर रहा है दूसरा टेबल लगा ठीक है इसी में मुझे चाहिए कंट्री आ गया ना कंट्री में मुझे वही चीज चाहिए जो ऊपर थी कंट्री में मैं करना चाहता हूँ यूनिट सोल्ड ग्रॉस सेल्स ये मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सिर्फ अभी दो वेरिएबल बस मैं एग्जांपल देने के लिए ये मैंने पिवट चार्ट डालना था सॉरी मैंने सिंपल पिवट टेबल डाल दिए ये भी पिवट चार्ट ही चाहिए इसको यहां से आप चार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते वो उसके साथ कर सकता हूं लेकिन वो डेटे को लिंक नहीं करेगा जब मैं पिवट चार्ट ऐड करूंगा ना तो वो टेबल भी साथ दे देगा ओके एग्जिस्टिंग में यहां पे कर दो क्या कहता है डेटा सेलेक्ट करें पहले डेटा सेलेक्ट करना है ना वो कह रहा दो सोर्सेस से आप कर रहे हैं तो पहले आप जाएं पहले उधर से लीजिए इसमें भी मुझे चाहिए इसमें कंट्री चाहिए कंट्री में वही यूनिट सोल्ड और ग्रॉस सेल्स इसके साथ आप वो बाकी चीजें भी जो हमने चार ऐड की थी ना वो चारों ऐड कर देना ये जी मेरा दूसरा टेबल है और इसमें भी डेटा लेबल्स चाहिए
ये दो चार्ट है जो टॉप लेवल पे एक फ्लो बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए तीसरे पे, आ जाए तीसरा आपने डालना है प्रोडक्ट का, ठीक है। तीसरा मैं डालता हूँ ऐसे ही डेटा सेट पिवट चार्ट, ठीक है जी। उसको भी मैं सर हमने ऐसे ही बनाना जैसे आप बना रहे हैं। हाँ जी, ये तो मैं आपको एक मतलब बता रहा हूं ना कि मैंने दो दो चीजें डाली है। आपने ये जितनी भी आगे चीजें आ रही है ना, देखे अब आपको आज की लेक्चर में ये समझ आ गया होगा, हमने यूनिट सोल्ड और ग्रॉस सेल्स को देखा है ज्यादा, और प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखा है, ऐसे ही है। अब आपने इसी को फर्दर कैटेगराइज कैसे करना, ये सारा कुछ करके ना आपके पास ये डेट है, मंथ है, मंथ का नाम है और ईयर है। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज जो उसने लगाई हुई थी, सारी जब लगाएंगे ना तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चीज आती है स्लाइसर। मैं स्लाइसर में अगर दोनों चीजें ले लूं, मंथ और ईयर ले लेते, दो स्लाइसर डालता हूँ मैं, सिंपल दो स्लाइसर डाले मैं। मैंने देखना क्या है, अभी हमने सिर्फ वेरिएबल डिस्कस किए थे, इसके अगर मैं कॉलम बढ़ा दूं तो उसको भी, सॉरी दो साल है, दो साल ही दिखा रहे, इस पे मैं करता हूँ कॉलम बढ़ा दे थोड़े से। ये अब होगा क्या कि मैं देखना चाहूंगा 2014 की ये सारी चीजें, तो ये वाला आप जाएंगे, आपने इसको स्लाइसर कनेक्ट करने का तरीका भी आपको भेज। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी शीट देखेंगे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इस तरह से बनाऊं, बट ये स्लाइसर वाला मुझे नहीं आता था, लेकिन आपको ना मैं आपको मेरा जो लेक्चर था ना पिछला वाला, जिसमें मैंने ये पूरा स्लाइसर वाला लेक्चर दिया है, मैं आपसे दोबारा ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उसमें मैंने एक एक चीज बताई, इसमें भी है। इसमें जाके ना आपने स्लाइसर को जाके सिंपल इसमें स्लाइसर सेटिंग्स में जाके ना डी लिंक करना होता है, वो आपको उस वीडियो में सारा समझ आ जाएगा। अभी उमेर ने बल्कि लगाया भी था, उमेर ने ये लगाया, उमेर ने ये लगाया हुआ, ये देखिए मैं खत्म करता हूँ, और उमेर ने शीट बीच में शेयर की भी हुई है, ये नजर आ रहा है, ये सब चेंज हो रहा है, ये सब चेंज हो रहा है। मैं कोशिश करता रहा हूँ काफी देर, मैं ईयर वाइज उसको चेंज करना चाह रहा था, बट समहाउ ईयर वाइज नहीं नहीं सेपरेट हो गया। नहीं 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 नहीं, उसमें एक छोटी सी चीज करनी पड़ती है, ये जो स्लाइसर है ना इसको सबके साथ लिंक करना पड़ता है। मेरी उस वीडियो में ये चीज मौजूद है, नहीं होगी तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इसको फिर फर्दर आप जब खुद भी वो एक्सप्लोर करते हैं तो चीजें फिर फाइनल। हां बिल्कुल 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 ठीक है जी। आई होप के किसी ने, अब मैं किधर गया, अच्छा स्केप से आता हूँ, अभी कोई बंदा आज के लेक्चर के बारे में कुछ कहना चाहता है तो कह दे। आई होप के मैंने ट्राई की है कि जो आप सिर्फ एक्सेल शीट पढ़ते रहे ना आज तक, तो दिखा दो दे तो वीडियो पैनल बंदे कहाँ से दिखाएगा, ऐसे ही दिखा दे यार जी। Is it okay for today? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Both enjoy. Great. जी सर।
मैं बारी बारी पूछूं ताकि मुझे पता लग जाए जवाब कौन दे रहा है। सर आप स्क्रीन शेयर को बंद करेंगे। रजा साहब वाज वाज इट ओके? जी जी सर ग्रेट, काफी ज्यादा चीजें पता लगी हैं और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो जरा बेटर ऑफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। जुनैद मैं आपको वो वीडियोस भेज दूंगा, अगर मैं सुबह तक ना भेजूंगा भूल गया तो मुझे जस्ट सेंड मी अ मैसेज। आरिफ आपको मैं आरिफ मैं आपको स्लाइसर वाली चीजें भेज दूंगा। फजीला आपको समझ आई थी चीजें इंशाल्लाह? आप प्रैक्टिस आपने फाइल नहीं भेजी मुझे। चले उनको आवाज नहीं आई। मोहित को तो मैं खुद देख लू। हसन इज इट फ्रूटफुल फॉर यू? यस, मतलब वैल्यू ऐड कर रहा है कोई कोई चीज आप में, मतलब इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नो अर्लियर? यस 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 इट्स क्वाइट डिफरेंट। काफी चीजें मतलब एक नॉलेज में ऐड ऑन हो रही हैं। मैं वही साथ साथ प्रैक्टिस कर ही जा रहा हूँ इसलिए जो जो आप बताई जा रहे हैं। जब आप खुद मतलब साथ साथ भी कर रहे हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जी उस्मान, उस्मान ने पहला लेक्चर तो नहीं था। उस्मान आप आपकी क्या फीलिंग है? सही है, मेरे लिए नई चीज ये थी कि मैं सिंपल डाटा को सिर्फ प्रेजेंट करने के फॉर्म में देख रहा था, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि सिर्फ डाटा को प्रेजेंट नहीं करना, उसमें असल चीज एनालिसिस है और एनालिसिस में ये सारी चीजें आती हैं कि आपने कुछ आइडेंटिफाई भी ये करना है कि क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इदारे के लिए या किसी कंपनी के लिए वो फायदेमंद है, और ये बेसिकली yes. हमारा काम होगा अगर हम इसमें आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो हाँ, तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं ना अच्छा बुरा तो बहुत पैसे मिलते हैं। जी सर, वो वैल्यू आपकी भी बनती है सर ऑर्गेनाइजेशन में। जी जी बिल्कुल। जी सरीश, सरीश आपने कोई मेरा आपकी आवाज आती रही है मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको आवाज आ रही मेरी? सर हमें इजाजत है उमर एंड टीम को? हाँ जी बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी सरीश। जी सर आवाज आ रही है मुझे? जी अब आप बताएं आपको, मतलब कोई पीछे हमने पीछे जो चीजें पढ़ी थी उससे फर्क है पहले कोर्स में जो पढ़ी थी? जी सर बहुत ज्यादा फर्क है, पहले तो हम लोगों ने बेसिक ही किया था तो अभी तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है? जी सर मैंने पहले भी की थी लेकिन मेरे लैपटॉप में ना थोड़ा मसला सा है तो इस वजह से मेरी फाइल नहीं सेंड हो पाई, तो मुझे चले कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अब आपने इस दफा करनी है। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह जरूर सेंड कर दूंगी, मैं पहले वाली फाइल भी सेंड करूंगी जो मैंने बनाई हुई है। डन होगा। जी तहसीन। जी सर काफी इंटरेस्टिंग है सर, बस ये कि सर अभी जब मैं आप समझा रहे होते हैं मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ तब तो मुझे समझ आ रहा होता है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होती है सर, बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी भी बैठी हुई थी सुबह से, जो असाइनमेंट दी हुई थी वो कर रही थी, बस पता नहीं कसर में कहती हूँ पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। नहीं नहीं आप कोशिश करो हो जाएगा। और मैंने इसका वे आउट निकाला था कि जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको नोट डाउन कर लें और फिर आप उस सेक्शन की जाके वीडियो देखें और फिर आके दोबारा उसको अप्लाई करें। तो मैंने आरिफ 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 इसके साथ मैंने एक और ऑप्शन भी दी हुई है कि आप जहाँ पे फंस जाते हैं ना, आपको यूट्यूब से भी समझ नहीं आती तो आप उस पोर्शन की एक खुद वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, मैं यहाँ फंस गया हूँ मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगा कि इसका सलूशन क्या है। क्योंकि दो चीजें हैं, आप यूट्यूब से जब वीडियोस देखेंगे ना हो सकता है आपको दो घंटे की देखनी पड़ जाए, लेकिन मैं आपको उस प्रॉब्लम का फौरन से हल बता सकूंगा, तो सेल्फ लर्निंग के लिए यूट्यूब परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कहीं फंस गए और उस वजह से बाकी सारा काम रुक गया तो सिंपल मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसकी जो मुझे नजर आ जाए कि यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा हूँ मैं फंस गया, तो मैं आपको फौरन उसका रिस्पॉन्स करूंगा ताकि आपके 7 डेज में ना तो एक प्रॉब्लम की वजह से आप ना रुके। क्योंकि आज मैंने ना थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रेक इवन ये चीजें डाली है, मैं जैसे थोड़ा सा टेक्निकल होता जाऊंगा ना तो पिछली चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो अगली चीजें फिर लिंक होती जाएगी।
जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरी सर रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारी जो भी सबकी वर्किंग है उसमें से अपनी फाइंडिंग्स निकाल के मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं आज बता पाया कि अदरवाइज मैं उसमें लग जाता ना तो हमारा पूरा लेक्चर हो जाता था। मैं आप सबको इंडिविजुअली बताऊंगा, ठीक है सर? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और अभी मैंने आप लोगों को जो डाटा दिया ना, ये मोस्ट रिफाइंड डाटा है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एनालिटिक्स बनाने। तो हमारा जो ये काम है ना, ये सिर्फ 20% होता है। इस डेटे को बनाने के लिए जो 80% काम है, मैं अभी आप लोगों को उसमें नहीं लेके गया। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आउटपुट नजर आ जाए, तो फिर बैकएंड वाला काम। अगर मैं आपको एक्सेल शीट ठीक कराने सिखानी शुरू करूंगा ना, तो आप लोग भाग जाओगे। अब आपको इसमें मजा आ रहा है, तो अभी आपको जब मैं गंदी फाइल दूंगा ना, उस गंदी फाइल को ठीक करने के लिए जो आपके साथ होगा ना, फिर आपको फीलर आएगी कि वो आसानी उसमें क्या है। अभी इसमें तो आपको सिर्फ एनालिटिक्स समझा रहा हूँ, तो असल जो 80% काम है ना, वो डेटे की क्लीनिंग है, रेंगलिंग है, डेटे को साफ सुथरा बनाना है। ऐसा कभी आप जितने लोग जॉब करते हैं, किसी को कभी इतना साफ सुथरा डेटा मिला? नहीं सर, कभी नहीं मिला मेरे लिए तो। नहीं सर, वो परफेक्ट नहीं सर, कभी भी नहीं। कि आप मुझे जो है जिस तरह का डाटा कह रहे हैं, क्लीनिंग वाला डाटा आप देंगे, तो शायद वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको बताना चाहता था हम कराची क्यों जाना चाहते। तो मेरा ख्याल है दो लेक्चर्स में मैं ये समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है। मैं ये चीज समझाने में कामयाब। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है आपका, जिस तरह डाटा की फाइंडिंग के बारे में आपने आज का लेक्चर दिया, इस तरह से हमने प्रैक्टिस नहीं की। मतलब प्रैक्टिस मेरी, मैं अपनी बात करूं या उमेर की टीम की बात करें, तो वो सेल्स से रिलेटेड था। मेरी भी कोशिश ये थी कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रॉफिट को दिखाऊं कि जी इतनी इस प्रोडक्ट में, इस कंट्री में इतना प्रॉफिट हुआ इस ईयर में, और इसका जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, और मतलब ये सारी चीज़ें जो सेल्स से रिलेटेड थी। मेरी भी, मेरा फोकस भी यही था। तो आपने जो प्रोस्पेक्टिव बताया है वो डिफरेंट है, उसमें एरर फाइंडिंग है और डाटे को जो है आपने किस तरीके से एक प्रोडक्टिव वे में प्रेजेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक डिफरेंट है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इंशाल्लाह आपको मैं कंफर्म, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्योंकि अब आप सोचे असल चैलेंज क्या है, कि एक फाइल है जिससे हम डाटा बना रहे हैं, आपको चैलेंज आए कि डेली की 200 फाइलें आपको आनी है ऐसी। पहले आपने 200 फाइलों को इकट्ठा करना है, उनकी सारी क्लीनिंग करनी है, फिर एक फाइल बनानी है। जो फाइल बनेगी तो एनालिटिक्स बनेगा ना। जी सर बिल्कुल सही। तो वो वाला काम हमने अगले इंशाल्लाह लेक्चर्स में शुरू करना है, ताकि एक्चुअल चैलेंज ये एनालिटिक्स जो है ना, ये थॉट प्रोसेस है। आप पूरा प्रॉफिट लॉस इससे आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब डाटा आपके पास मौजूद है। अगर डाटा ठीक नहीं है ना, तो आप ये कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब आप डाटा बनाने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा ना, तो आपको फीलिंग आएगी कि ये डाटा रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़े जी। हमारा फिर 2.5 घंटे का लेक्चर हो गया है, तो पता नहीं मुझे मजा आता है या आप लोगों को मजा आता है, हम 30 मिनट एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। सर नहीं सर, मजा आते हैं, मुझे मजा आता है। जी 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 बोले सर। मैं वो एक ना शीट एक मैं छोटी सी बना रहा था, उसमें एक जगह मैं ना जरा फंस गया हूँ, तो वो मैं आपसे, अगर आप कहते तो मैं सुबह जो है वो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कि जो फॉर्मूलेज हैं वो उसमें मैं स्टक हो गया था। मैं आप सब लोगों को ये ऑफर मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स हैं आपकी कुछ विजन और काम खोलने के लिए। मेरा फायदा आपको तब है जब आपकी डे टू डे असाइनमेंट्स में मैं आपको हेल्प करूँ। तो आपने सोचना नहीं है, आपने मुझे भेज देनी ट्रेनिंग। तो जब आएगी मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो आपको फायदा होगा। सर बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा उसमें स्टक हो गया था एक जगह पे जाके,
तो वो मैंने कहा मैं आपसे भी कंफर्म कर लूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल कंफर्म क्या करें, आप मुझसे शेयर करें। आरिफ आप भी कोई ऐसी चीज है, हसन आप भी, तहसीन आप भी, अगर आप लोग कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हो जो हमारी ट्रेनिंग के अलावा है और आपकी डे टू डे वर्किंग में और यू नीड माई हेल्प, जस्ट शेयर इट विद मी, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा ताकि आपका डे टू डे काम में भी सपोर्ट मिले आपको। जी सर बिल्कुल, मुझे एक दो चीजों में थे इश्यूज, वो इंशाल्लाह आपसे कल कर लेते हैं डिस्कस। वो है बहुत माइनर से, आई एम श्योर वो होगा। कोई बात नहीं जैसे भी, मतलब दो, एक है ट्रेनिंग लेते रहे, दूसरा उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। चले मैं साइमा, आप कुछ कहना चाहती हो तो आप कह ले। जी सर मेरे पास बहुत सारा कुछ है कहने के लिए। हमारे तो बहुत सारी तीन मेजर डिपार्टमेंट्स जो है वो फंक्शनल हो चुके हुए हैं, दो तो पूरी तरह से हो गए हैं, तीसरा जो है वो होने जा रहा है। तो हमारे पास तो डेटा बहुत सारा जनरेट होने लगा है जिसकी मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ बैठी। तो एक में तो हम आपको एंगेज कर चुके हैं, दूसरे दो भी जो ना वंशल आप उसके लिए रेडी रहे, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा काम की है। जी जी आपको देखे वो जो आपने मुझसे वीडियो लिंक शेयर, वो जो शेयर किया ना हम कल जिस पे हम मीटिंग करेंगे, तो एक्चुअल फायदा ही हुआ है। अदरवाइज आपके जितने मर्जी क्लाइंट्स आते हैं आपके पास एनालिटिक्स नहीं है, आप सेल्स नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये फिर हम अपनी टीम को भी दिखाएंगे जरूर एंड में कि एक्चुअली आपका मॉडल है क्या, आप करती क्या, ठीक है जी। अब ऐसे ग्रुप में वो चीजें शेयर करनी है तो जरूर कर सकती है, ठीक है जी। चले थैंक यू वेरी मच जी। आई होप के एक दिन आधा घंटा या एक्स्ट्रा हमारा जो है ना वो आपकी वैल्यू ऐड कर सके, तो इसके लिए हम आपसे एडवांस में माफी मांग लेते हैं क्योंकि आप लोगों से दो घंटे की कमिटमेंट है, ढाई लाग ही जाते हैं हरदम। नहीं नहीं सर, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, कोई इतना इशू नहीं है। एग्जैक्टली कुछ क्लैरिटी हो जाती है इस आधे घंटे में, कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। और मैं चाहता भी हूँ देखे जो दो घंटे में निकलना चाहता है जरूर निकल जाए, लेकिन जो सीखना चाहता है उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट विल एड वैल्यू टू योर डेली प्रोफेशनल लाइफ, आई कैन मेक इट श्योर। थैंक यू सो मच। जी सर आप ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल यस सर बिल्कुल। चलो टेक केयर, गुड नाइट और हैव गुड सैरी। आप तो मेरा कल 3 बजे सैरी में जुड़ जाओ। आप कोशिश कीजिएगा सुबह ही वीडियो शेयर करते ताकि ये लोग उसको दोबारा देख के ना तो अपना प्रैक्टिस जरूर कर सके। चल अच्छा उसको बंद, स्टॉप स्क्रीन शेयर किया तो अपनी तस्वीर नजर आई, मैं उस वक्त से ये ढूंढ रहा था। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।